हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता, टीम फिजिक्स। मेरे साथ हैं विजेंद्र सिंह चौहान सर और हम लेकर आए हैं आपके सामने इको 10, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों, अगर इसमें नीट के वेटेज की बात करें तो सेमीकंडक्टर से आप ये मान के चले 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही है, और मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पार्ट है जिसमें हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स की, दोनों चैप्टर्स की हम बात करेंगे, तो इससे भी आप ये मान के चले 3 से 4, हो सकता है 5 भी आ जाए। तो एटलीस्ट इन दोनों चैप्टर से मिलकर आपको 6 से 7 क्वेश्चन, जो कि अपना नीट का अगर देखें 45 क्वेश्चन में से, तो ये वेटेज होता है ऑलमोस्ट 15 से 20% का। तो इतना वेटेज जो है इन चैप्टर से आएगा, तो आप इनको और अगर आप इको 10 और जो अपने गुरुनीति वाला पार्ट है, साथ में आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, इन सबको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका नीट का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सारा इसमें कवर हो रहा है, कहीं कुछ बाहर से नहीं आएगा, इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो आज की इको 10 में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स का। शुरू करें सर? जी बिल्कुल सर। तो अपना पहला क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ का है, इसमें बोला है अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं सेम मोमेंटम से, तो आपको बताना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या होगा। देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ जब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, एच बाई पी, ये होता बेसिक फॉर्मूला। अब यहां मोमेंटम पी जो है वो तो सबके लिए सेम गिवन है, तो जब मोमेंटम अल्फा का, मोमेंटम प्रोटॉन का, मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का सेम है, तो इसका मतलब लैम्डा अल्फा का, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का सेम होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। तो ठीक है सर, चला गए? जी हां बिल्कुल सर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर अपना 1 हो जाएगा सर। बच्चों, दैट विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न, और यहां पर है What will be the ratio of de Broglie wavelengths of proton and alpha particle of same energy? मतलब यहाँ पर proton और alpha particle जो है उनकी energy same है, तो उस केस के अंदर इनकी wavelength का ratio क्या होगा? So as we know, lambda होता है बच्चों h upon p, और p को हम लोग लिख सकते हैं 2mk का under root, and this is h here, okay? अब यहां पर h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, k का वैल्यू दोनों का सेम है, ठीक है? सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ठीक है यहां तक? इसका अर्थ है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं लैम्डा प्रोटॉन एंड लैम्डा अल्फा, ओके, दैट विल बी m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन का रूट। अब अल्फा पार्टिकल का मास होता है प्रोटॉन का 4 times, ठीक है? सो वी कैन राइट हियर 4/1, इसका रूट लिया तो 2/1, इट मींस 2:1 विल बी करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों अगला तीसरा क्वेश्चन, इसमें आपको 4 तरह की गैसेस दी हुई हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। इसमें आपको डी ब्रोगली तरंग देने का बढ़ता हुआ ऑर्डर आपको लिखना है। तो लैम्डा जो हमारे पास होता है, लैम्डा का यहां पर जो हमारे पास ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा लैम्डा इज एच अपॉन रूट 2 km। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे यहां पर 3/2 kTm। तो फाइनली यहां पर जो लैम्डा आएगा वो आएगा 3 kTm। m इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास। अब हमें पता है जो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा भारी होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा भारी वो कौन सा है? ऑक्सीजन। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है उसमें देखिए ऑक्सीजन का मास सबसे ज्यादा, डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे कम, नाइट्रोजन उससे हल्का है तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा वेवलेंथ, फिर उससे और हल्का है हीलियम उसकी और ज्यादा वेवलेंथ, और सबसे हल्का है हाइड्रोजन उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो अपना यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, उसके बाद आता है हमारा चौथा प्रश्न, और इसके अनुसार आपसे कहा गया है कि अगर अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रेडियस कितना है इसका, 15/(10^-11) मीटर दिया गया है, और वेवलेंथ जो है वो 10^-10, सो यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एज वी नो दैट बच्चों MVR होता है बच्चों एन एच अपॉन 2π, जानते हम लोग इस बात को, तो 2π को अगर हम लोग यहां ले आए ये होगा 2πr, एंड दिस विल बी nh अपॉन mv,
और बच्चों एच अपॉन एम भी होता है लैम्बडा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इनटू लैम्बडा. तो यहां पर हमें इस एन का वैल्यू चाहिए, तो एन बन जाएगा हमारे पास 2 पाई आर अपॉन लैम्बडा. ठीक है, 2 पाई एज इट इज. आर का वैल्यू कितना दिया है, 15 अपॉन पाई. सो 15 अपॉन पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 11 लैम्बडा. लैम्बडा का वैल्यू कितना है, 10 रेज टू माइनस 10. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस विल बी 10 रेज टू माइनस 1. पाई से पाई यहां पर कैंसिल, ये आएगा 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 1. सो फ्रॉम हियर एन का वैल्यू आ रहा है बच्चों 3, मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में आपको अल्फा पार्टिकल जो है उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाया है. रेडियस आपको गिवन है 0.83 सेंटीमीटर. प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल. तो यहां पे हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी एच अपॉन एम बी. अब हम मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट से देखें तो रेडियस जो पार्टिकल की होती है मैग्नेटिक फील्ड में होती है एम बी अपॉन क्यू बी. तो एम बी को मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू बी आर. तो ये आ जाएगा एच अपॉन क्यू बी आर. अब इसके बाद मुझे केवल डेटा पुट करके कैलकुलेशंस करनी है. तो एच की वैल्यू होती है 6.64 जिसको मैं 20/3 लिख सकता हूं. तो यहां पे कैलकुलेशन उससे थोड़ी आसान हो जाएगी. 20/3 10 टू द पावर माइनस 34. अब 6.67 से भी करेंगे कोई इशू नहीं. ओके, उससे भी आंसर सही आएगा. 2 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19. दिस इज द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का चार्ज. बी आपको दिया हुआ है 0.25, इसको मैं 1/4 लिख सकता हूं. तो इसको मैंने 1/4 लिख दिया. इसके बाद हमारे पास रेडियस गिवन है 0.83 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 0.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, दैट्स इट. तो अब देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे. 4 से 3.2, 3.2 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.8. तो यहां पर अपने जब कैलकुलेशन शुरू करें तो 20/3, 4 और 2 तो 1/2, 0.8 हो जाएगा इधर. और ये बचेगा मेरे पास 0.83. और 10 पावर माइनस 2 माइनस 19 माइनस 21 और ऊपर बचेगी मेरे पास पावर माइनस 13. फिर इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0.8 और 0.8 इसको अप्रोक्सीमेटली 0.8 माने तो 0.64 आएगा. तो 20/3 0.64 10 पावर माइनस 13. ये सॉल्व करने पे देखो 6 इंटू 3 1.8 होता है तो 6.4 ये 1.92 समथिंग बनेगा. तो ये जो इससे कैंसिलेशन होगा 10 टाइम्स हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 12 मीटर जिसको हम सोल्व करेंगे 0.01 एंगस्ट्रॉम. तो कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शंस दूर दूर हैं. और ध्यान रखना बच्चों जब भी कैलकुलेशन में थोड़ी सी अपन को लेंदी लगती है या कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको कैलकुलेटिव लगती है तो ध्यान रखना उस केस में ऑप्शन हमेशा दूर दूर ही दिए जाएंगे ताकि आप अप्रोक्सीमेशन कर सकें. तो इस केस में देखो अपने ऑप्शन जो है 0.01 एंगस्ट्रॉम ये दिया हुआ है, एक 10 दिया है, 0.1 हो गई. तो यहां पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ओके सर जी बिल्कुल. इसके बाद बच्चों छठा प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो है लैम्बडा आई देन लैम्बडा पी एंड देन इट इज लैम्बडा अल्फा. ओके, यदि इफ ऑल आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, यहां पर तीनों पार्टिकल्स को सेम पोटेंशियल दिया गया है तो उस केस में लैम्बडास के बीच रिलेशन क्या होगा, आइए देखते हैं. देखिए बच्चों लैम्बडा ये होता है एच अपॉन पी एज वी नो. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m k का रूट. यहां पर k क्या है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और m क्या है मास. And we know that kinetic energy it will be equal to the charge into potential. ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं h upon 2m and then k का वैल्यू q into v का रूट. अब देखिए बच्चों यहां पर h constant, 2 constant, v
सेम दिया हुआ है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट लैम्बडा विल बी प्रोपोर्शनल टू द 1/m³ का रूट. ठीक है यहां तक. अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, उसका चार्ज भी मान लीजिए कि उसका है चार्ज 1. ठीक है, इसलिए लैम्बडा का वैल्यू हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में इसका लैम्बडा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका एम और क्यू का वैल्यू कंपैरेटिवली कम. ठीक है, प्रोटॉन की बात करें तो उस केस में एज वी नो प्रोटॉन का जो मास है वो अगर 1 है तो अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4 times. प्रोटॉन का अगर चार्ज हम कहें कि 1 है तो अल्फा का होगा चार्ज 2. जाहिर सी बात है कि हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि अल्फा के लिए मास और चार्ज का वैल्यू सबसे ज्यादा है. सो इसके लिए लैम्बडा का वैल्यू सबसे कम होगा. बीच में रह गया कौन? प्रोटॉन. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. लैम्बडा ए ग्रेटर देन लैम्बडा पी एंड देन इट इज ग्रेटर देन लैम्बडा अल्फा. ओके, तो बच्चों इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया. आते हम नेक्स्ट पे. सेवेंथ क्वेश्चन में आपको फोटोन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला है कि दोनों सेम एनर्जी से मूव कर रहे हैं और उनकी एनर्जी 10^-20 जूल गिवन है और आपको बताना है कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी. देखो, एक तो आपके पास है पार्टिकल. पार्टिकल के लिए वेवलेंथ होती है मीटर वेव वाली और फोटोन तो एनर्जी से एसोसिएट वेव से एसोसिएटेड होता है. तो फोटोन की वेवलेंथ का फॉर्मूला हमारे पास होता है hc/E. बेसिकली E होता है hc/λ, तो वहां से ये फोटोन की वेवलेंथ आ जाएगी. देन इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ. तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है और डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा h/√2 km. k की जगह हम यहां पे इसको e लिख देते हैं क्योंकि ये भी इसके लिए एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, e फॉर काइनेटिक एनर्जी. तो अब इन दोनों का हम रेशियो लें तो लैम्डा पी एच बाई लैम्डा ई विल बी hc/E और डिवाइड बाई h/√2 me. ऐसे कैंसिल होगा तो आपके पास ये बचेगा c/2 m/E. अब यहाँ पे हम देखो केवल रिलेशन बताना कि ज्यादा कौन सा है कम कौन सा है, तो हम पक्का यहाँ अप्रोक्सीमेशन करेंगे कैलकुलेशन में. c की वैल्यू 10^8 के ऑर्डर की. मास ऑफ किसका है? मास हमने इलेक्ट्रॉन का लिया हुआ, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है ना. इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10^-31 के ऑर्डर का और यहाँ पे e की वैल्यू आपको दिया हुआ है 10^-20 है ना. यहाँ पर आपको पूरी कैलकुलेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्टिंग है. ठीक है, तो अब आप देखें यहां से ये आ जाएगा 10^-8. ओके, इसके सॉरी प्लस 8 और इसके बाद में एक 10 को लिख करके इसको लिखूंगा 10^-11 और 10^-12. तो ये आ जाएगा 10^6 बाहर, तो 10^2 और √10. 10^√10 ये तो ग्रेटर देन वैल्यू आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है. तो ये वैल्यू अगर एक से ज्यादा है इट मीन्स फोटोन की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है. यहाँ पूरी कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि रिलेशन बताना है. तो यही चीज हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिली है. तो ये अपना हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन. हाँ, अगर वो एग्जैक्ट रिलेशन पूछते कि फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में क्या एक्चुअल रिलेशन है तो फिर हम कैलकुलेशन करते पूरी, है ना. बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं सर. जी बिल्कुल. इसके बाद बच्चों हमारा 8वां प्रश्न, और यहां पर आपसे कहा गया है कि प्रारंभिक वेग जो है इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है v0i एंड v0 इज ग्रेटर देन 0. ओके, देन इट एंटर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई के डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन इज e इज इक्वल टू e0 एंड हियर विल बी माइनस आई. ओके ओके, तो अब इस केस में आपको यहां पर बताना है कि t=0 पर यदि ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो उस केस के अंदर आपको बताना है कि व्हाट विल बी देयर. ओके, यहां पर लैम्बडा नॉट क्या है? लैम्बडा नॉट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली प्रारंभ में. तो अब आपको यहां पर फाइंड आउट करना है कि टी टाइम के ऊपर वेवलेंथ क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ का वैल्यू क्या होगा. तो बच्चों लैम्बडा होता है h/mv या h/p से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, v0 आएगा. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इनिशियली
वेवलेंथ वाज लैम्डा नॉट एच अपॉन एम, वेलोसिटी वाज वी नॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, यहां तक। अब हमें चाहिए टी टाइम के ऊपर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। सो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा होगा एच अपॉन एम इंटू वी, और यहां पर वी है टी टाइम पर वेलोसिटी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट वी दैट विल बी यू प्लस ए टी। इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इट मींस उसके ऊपर फोर्स भी कांस्टेंट होगा, और फोर्स कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ओके, एंड वी नो दैट फोर्स होता है एम इंटू ए, फोर्स होता है क्यू इंटू ई एम इंटू ए। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ए विल बी क्यू ई अपॉन एम। ओके, तो यहां से हमको यू का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी यहां से हमको ए का वैल्यू मिल चुका है, तो वी आएगा बच्चों, यू का वैल्यू कितना है यहां पर वी नॉट प्लस ए का वैल्यू क्यू ई अपॉन एम एंड देन इट इज टी। ये आ गया हमारा वी। ओके, तो अब हम लोग इस वी का वैल्यू अगर यहां पर रख दें, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट लैम्डा विल बी एच अपॉन एम, वी का वैल्यू V नॉट प्लस क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। ठीक है यहां तक, और यहां से अगर हम लोग V नॉट को कॉमन ले लें तो उस केस में वन मिनट बच्चों, उस केस में फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट इट विल बी लैम्डा एच अपॉन एम वी नॉट एंड इट विल बी वन प्लस क्यू ई टी अपॉन एम वी नॉट, ये आएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर h अपॉन एम बी नॉट क्या है, h अपॉन एम बी नॉट है यहां पर लैम्डा नॉट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आवर फाइनल आंसर विल बी, वी कैन राइट इट एज लैम्डा नॉट एंड देन वी कैन राइट इट क्यू ई टी अपॉन एम बी नॉट। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर ठीक है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर वन इज मैचिंग एग्जैक्टली, सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर क्यू ई नॉट ई अपॉन एम नॉट। ओके, यहां पर क्यू ई नॉट आएगा। ठीक है, ओके ओके बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन हमारे सामने है। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस को हम इलिमिनेट करते हैं एक बार लैम्डा वेवलेंथ से, दूसरी बार लैम्डा बाय टू से, फिर इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इमिट होती है सेकेंड केस में वो पहले केस की थ्री टाइम्स है। तो आपको इसमें बताना है कि जो इसका वर्क फंक्शन हो कितना है। तो एक बार देखते हैं अपन E की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। ये हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है वो है। अब इसमें इसको हम लिखेंगे hc by lambda वर्क फंक्शन, और यहां इसको मैं लिख रहा हूं k1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे केस में जब हमने lambda by 2 वेवलेंथ इसमें यूज की है तो lambda by 2 वर्क फंक्शन प्लस k2, लेकिन k2 को बोला है कि थ्री टाइम्स है k1 का, तीन गुना है ना। पहले केस में जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके तीन गुना एनर्जी था, सेकंड केस में निकल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे वर्क प्लस 3k1। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। k1 की वैल्यू मैं पहली इक्वेशन से यहां पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2hc / लैम्डा वर्क फंक्शन प्लस 3k1, दिस इज hc / लैम्डा माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। ये k1 की वैल्यू, यहां 3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास वर्क 3hc / लैम्डा माइनस 3 वर्क फंक्शन, ये 2hc / लैम्डा। तो इससे मेरे पास आ जाएगा 2w इस तरफ और ये आ जाएगा hc / लैम्डा इस तरफ। ओके, अब यहां पे हमें पूछा है कि आपके इसमें वर्क फंक्शन क्या है, तो ये आ जाएगा hc / 2 लैम्डा, ऑप्शन विल बी 4। तो इसका चौथा आंसर जो अपना सही है। बिल्कुल, ये सिंपल दो इक्वेशन बना के वैल्यू पुट करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन। ओके सर, बिल्कुल सर। उसके बाद बच्चों हमारा दसवां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि जब किसी धातु के प्रश्न को न्यू आवृत्ति के प्रकाश से प्रदीप्त किया जा रहा है तो उस केस में प्रकाश विद्युत धारा का निरोधी विभव का मान है वी नॉट। यदि समान प्रश्न को न्यू बाय 2 आवृत्ति हमने कर दी आदि प्रकाश आवृत्ति और वी नॉट बाय 4 यानी वोल्टेज कर दिया यहाँ पर बाय 4
निरोधी विभव से प्रदीप्त किया जाए तो उस केस के अंदर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की दहली आवृत्ति का मान कितना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, एस बी नोट की एच न्यू माइनस एच न्यू नोट ये होता है बच्चों ई इंटू वी नोट, जानते हैं आप लोग इस बात को। तो फर्स्ट केस में आवृत्ति का मान है न्यू और दहली आवृत्ति का मान हमने कहा है न्यू नॉट, न्यू नॉट का वैल्यू हमें यहां पर चाहिए ई बी नॉट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस में हमने यहां पर क्या किया एच न्यू बाई टू आवृत्ति कर दी हाफ एच न्यू नॉट, दिस विल नॉट चेंज, ये वाला पार्ट यहां पर चेंज नहीं होगा क्योंकि यह है कार्य फलन। ओके, और ये आएगा ई बी नॉट बाई फोर आ जाएगा। ठीक है यहां तक, अब हम लोग अगर यहां से ई बी नॉट का वैल्यू यहां पर रख के सॉल्व करें या यूं कहें कि हम लोग इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दें तो उस केस में ई बी नॉट से ई बी नॉट कैंसिल हो जाएगा, फोर विल कम अप स्क्रीन चेंज, ओके फोर विल कम अप, देन फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट विल बी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एंड इट विल बी 4 इंटू एच न्यू अपॉन टू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है बच्चों यहां तक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट एंड फ्रॉम हियर इट विल बी 2 एच न्यू एंड दिस विल बी 4 एच न्यू नॉट। ठीक है यहां तक, अब हमें यहां पर न्यू नॉट का वैल्यू चाहिए तो फ्रॉम हियर वी कैन टेक इट इन दिस साइड सो इट विल बी 3h न्यू नॉट। ठीक है यहां तक, और h न्यू को यहां ले आओ। ठीक है, ओके बच्चों, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि h न्यू नॉट इसको अगर यहां पर ले आए तो 2h न्यू नॉट में से गया h न्यू नॉट, इट मींस यहां पर आएगा h न्यू। ठीक है, h से h यहां पर कैंसिल हो गया, न्यू नॉट का वैल्यू आ रहा है न्यू बाई थ्री। ओके, तो ये होगा हमारा सही आंसर, तो देखते हैं न्यू बाई थ्री ऑप्शन नंबर टू विल बी करेक्ट आंसर। बच्चों आते हैं 11th क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने समझाया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, आपको फोटोन इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बारे में वेवलेंथ का रेशियो पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पे रेशियो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन का लेना है तो इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला एच अपॉन रूट टू एम ई और यहां हो जाएगा एच सी बाय ई। ओके, अब हम इसमें से एच से एच काट देते हैं तो ये बचेगा मेरे पास वन अपॉन सी ई अपॉन रूट टू एम ई, तो ये आ जाएगा वन अपॉन सी ई अपॉन टू एम और यहाँ ये एक्स नहीं है फोर्थ ऑप्शन में, तो अपना ये तो फिर करते से भी अपना जो सही ऑप्शन आ गया यहाँ से वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, बस ध्यान रखना फोटोन की वेवलेंथ जो होती है वो इस फॉर्मूला से आती है और पार्टिकल की वेवलेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे ये है। ओके सर, जी सर बिल्कुल। अब इसके बाद आता है हमारा 12वां प्रश्न और यहाँ पर आपको दिया गया है कार्य फलन का मान, यह है बच्चों 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह है हमारा फाइ नॉट, और इसमें आपसे कहा गया कि यदि 500 nm वेवलेंथ की लैम्ब्डा का वैल्यू कितना है बच्चों 500 nm। ठीक है, तो उस केस के अंदर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की परास होगी, याद रखिए यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं परास की, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग उन सभी इलेक्ट्रॉनों को यहां पर शामिल कर रहे हैं जो कि धात्विक सतह से उत्सर्जित हो रहे हैं। सही बात है, अब वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी हो सकता है या उससे कम एनर्जी वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जब भी आपको यहां पर रेंज का कोई प्रश्न मिले तो उस केस में हम लोग एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ उसको डील करते हैं, कैसे समझिएगा ध्यानपूर्वक, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इनके अंदर आपसे कहा गया है कि वेवलेंथ दैट कैन बी लेस देन और इक्वल टू, ये वेवलेंथ जो है इससे कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, कम वाला ऑप्शन वन थ्री और फोर्थ चारों में, और कम की हम लोग बात करें तो हम लोग यहां पर लैम्ब्डा का मिनिमम वैल्यू लेकर एक बार चल लेते हैं। ठीक है, लैम्ब्डा होता है बच्चों एच अपॉन टू एम के का रूट। ठीक है, तो लैम्ब्डा की मिनिमम वैल्यू हमने ले ली जीरो,
अगर हमने यहाँ पर लैम्डा लिया जीरो, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होगी, के विल बी वन अपॉन जीरो, इट मीन्स इनफाइनाइट। क्या ऐसा हो सकता, नहीं ये संभव नहीं है, ठीक है, ओके। इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये सही नहीं हो सकते, लेकिन टू वाला जो ऑप्शन है वो सही हो सकता है, क्यों होगा देखते हैं, देखिएगा। यदि यहां पर हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 2m अपॉन k का रूट, k का वैल्यू, अच्छा यहां पर वेवलेंथ की जो रेंज है वो क्या है, 2.8 × 10⁻¹⁹ मीटर के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा के केस में हम लोग इसकी एक्सट्रीम वैल्यू यानी इनफाइनाइट लेकर चल रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, लैम्डा को लिया इनफाइनाइट सपोज कर लिया हमने, ओके। तो क्या यहां पर हमें k का वैल्यू 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट विल बी 0, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी कम से कम या 0 भी हो सकती है, होती भी है, क्योंकि कई सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से केवल बाहर आ पाते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाती, इट मीन्स दिस केस कैन बी पॉसिबल, ओके। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपने इसको कैलकुलेशन से सॉल्व किया तो ये बच्चों काफी लेंथी चला जाएगा, इसलिए आपको इसको ट्रिक से सॉल्व करना, ओके। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बच्चों 13 में, इसमें बोल रहे हैं कि कौन सा इसमें जो पॉइंट है वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट है उसकी क्वांटम नेचर को प्रूव करता है। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसके नीचे कोई इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट नहीं होगा। तो ये बात तो बोलती है कि हम एक पर्टिकुलर फोटोन, जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर डालेंगे तो उसके ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने पे ही फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं वर्क फंक्शन से। तो इसका मतलब ये ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहे हैं चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है, तो हमें पहले से पता है इसमें पार्टिकल जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं, पहले से हमें पता है, तो ये चीज यहाँ से एसोसिएटेड नहीं है। तीसरे बोला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल और केवल प्रकाश की लाइट की जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं। तो आप कितनी एनर्जी की लाइट डाल रहे हो इस पे डिपेंड करता है, लेकिन कितने नंबर ऑफ फोटोन डाल रहे हो इससे उस काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ में देखते हैं, जब आप थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ऊपर का फोटोन डालते हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे चाहे आप कितने ही कम फोटोन डालो। मतलब यहां ये बोल रहे हैं कि फ्रेंकली इलिमिनेटेड, यानी कि आपको मंद रूप से प्रकाशित का मतलब है कि अगर आप कम फोटोन डालोगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सही ना, तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन भी अपना सही हो गया। तो केवल इलेक्ट्रॉन जो है उनका चार्ज क्वांटाइज होता है, ये यहां से हमें ऐसा नहीं कि यहीं से पता चला, ये ऑलरेडी हमें पता था। तो अपना फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये वो तीन पॉइंट है जिनको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से समझाते हैं, तो अपना फोर्थ ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ओके बच्चों, ओके बच्चों। तो अब हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, और यहां पर आपसे कहा गया है कि वर्क फंक्शन का वैल्यू है 2 eV, ये हमारा फाइन आउट का वैल्यू, और न्यू का वैल्यू यानी आवृत्ति का मान कितना दिया गया, 6×10⁻¹⁴ ठीक है बच्चों। और यहां पर आपको चाहिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम एनर्जी, सो वी नो दैट ये होता है एच न्यू माइनस फाइन नॉट दैट विल बी के मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। तो यहां पर एच का वैल्यू कितना है, 6.63×10⁻¹⁴, न्यू का वैल्यू दैट इज 6×10⁻¹⁴ आ जाएगा, और इसको हमें यहाँ पर चेंज करना है ईवी में, इसका अर्थ है कि हमको यहाँ पर 1.6×10⁻¹⁹ का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये फाइन आउट जो है ये आपको ईवी में ही दिया हुआ है, दैट इज 2 eV, एंड फ्रॉम हियर वी विल गेट आवर के मैक्स। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 के बाद ये आएगा बच्चों 2.5, एंड दिस इज -2, दिस इज के,
मैक्सिमम. सो फ्रॉम हियर वी कैन से के मैक्स विल बी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कौन सा वाला ऑप्शन इसके पास है, थर्ड ऑप्शन. ओके, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. बच्चों अगला 15वीं क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में आपको रिलेशन बताना है. तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो ईवीएस के इक्वल होती है. सिंपल सी यहां पे डायरेक्ट इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होता है उसको रोकने के लिए हम स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां लगाते हैं और बाकी सारे ऑप्शन जो है आपके यहां पे गलत है. तो अपना सेकंड ऑप्शन यहां सही हो जाएगा. ओके बच्चों, 16th क्वेश्चन. और यहां पर आपसे कहा गया कि यदि मेटल सरफेस से जो सोर्स का डिस्टेंस था वो था पहले 1 मीटर एंड देन उसको हमने यहाँ पर चेंज करके कर दिया 2 मीटर, मतलब हमने यहाँ पर डिस्टेंस कर दी डबल. तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है. फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है मूव्स विद 1/4 एनर्जी ऑफ दैट ऑफ इनिशियल एनर्जी. तो क्या यहाँ पर एनर्जी का कोई चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती. इंटेंसिटी यहाँ पर चेंज होगी, क्यों? क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r². डिस्टेंस को चेंज किया, इंटेंसिटी चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट मीन्स ये वाला ऑप्शन सही नहीं है. सेकंड के अंदर आपसे कहा कि मूव्स विद द 1/4 ऑफ मोमेंटम एज दैट ऑफ इनिशियल मोमेंटम. क्या मोमेंटम पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. अगर एनर्जी चेंज नहीं हुई है, मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा. थर्ड ऑप्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू एंड फोर्थ वन क्या है, विल बी द 1/4 इन नंबर. तो यहां पर अभी हमसे कह रहा है कि जो नंबर है वो हाफ होगा या 1/4 होगा. तो एज वी नो इंटेंसिटी अगर आपने चेंज की है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे. ठीक है, आर को किया आपने डबल, इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4, और अगर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 4 हो गई है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बाई 4 हो जाएगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी विल बी 1/4 इन नंबर. सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके बच्चों, आते हैं हम 17th पे. इसमें बोला है कि एक सरफेस पे आप जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो आपको दिया हुआ है 6250, है ना. तो अब ये बोल रहे हैं कि जो आपतित प्रकाश जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ किस ऑर्डर में होनी चाहिए. तो हमें पता है कि जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, वर्क फंक्शन से ज्यादा या इक्वल भी हो तो चल जाएगा, ठीक है ना. तो hc by lambda greater than equals to sc by lambda not. इसका मतलब lambda not sc कटेगा, तो lambda जो है वो lambda not से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है. तो बराबर या कम का अपना एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन. तो अपना यहाँ पे 17th का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया. अगले पे आते हैं. ओके बच्चों, तो ये हमारा 18वां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन. इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? फर्स्ट में आपसे यहाँ पर कहा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन फ्रिक्वेंसी. करंट क्या एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है या उसके ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, करंट विल नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड. ओके, सेकंड में आपसे कहा गया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन फ्रिक्वेंसी. ओके, सो एज वी नो कि करंट का वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, अबाउ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी द मैक्सिमम के ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स इज इनवर्सली proportional to the frequency of incident light. अब यहां पर आपसे कहा गया है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती होती है क्या? नहीं होती है. और फोर्थ ऑप्शन क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो उस मेटल की खुद की प्रॉपर्टी होती है. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. अच्छा, एक बात और बच्चों, यहां पर कहा गया है कि
करंट जो है वो प्रकाश के आयाम के समानुपाती होगी क्या? ऐसा नहीं है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, ओके। लेकिन करंट जो है वो तीव्रता के यानी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, ओके। सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बच्चों आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इसमें आपको बोला है 200 वाट का एक सोडियम लैंप है जो कि येलो लाइट इमिट कर रहा है, जिसकी वेवलेंथ आपको 0.6 माइक्रोमीटर गिवन है। अब इसने बोला है कि 200 वाट तो इसकी पावर है जो ये इनपुट ले रहा है, लेकिन ये लाइट में कितना कन्वर्ट कर रहा है? केवल 25%। मतलब 200 वाट का 25% लाइट में कन्वर्ट होगा तो 50 वाट कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि कितने फोटोन पर सेकंड निकलेंगे। तो देखो जो पावर जो निकलती है ना, इमिटेड पावर जो होती है किसी भी सोर्स की, है ना, वो हम कैसे लिखते हैं? n by t नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। और एक फोटोन की एनर्जी कैसे लिखोगे बेटा? एच सी बाई लैम्डा, ये एक फोटोन की एनर्जी होती है। अब आपसे पूछा है कि कितने फोटोन यहाँ इमिट होंगे, तो केवल अब प्योर कैलकुलेशन है। ये कितना है? 25% 200 का 25% यानी कि 200 बाई 4 एन बाई टी, और एच 20/3 10^-34, सी की वैल्यू 3×10^8, और लैम्डा दिया हुआ है 0.6 माइक्रोमीटर यानी कि 6×10^-7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका n by t का आंसर यहां पर बन जाएगा सॉल्व करने पे 1.5×10^20। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओके बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 एंड हियर द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल्स ए बी एंड सी, ये 1.92 एंड 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5 ev। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन इक्वेशन फ्रॉम हियर, यहां पर आपको बताना है कि कौन कौन सी मेटल्स से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, या यूं कहें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन कौन से वाली मेटल से होगा। सो एज वी नो दैट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर एच न्यू नॉट क्या है बच्चों? फाई नॉट, दैट इज आवर वर्क फंक्शन। और जो एच न्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा, दैट विल बी के, ठीक है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जिसके लिए एच सी अपॉन लैम्बडा का वैल्यू फाई नॉट से ज्यादा होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, और जिसके लिए एच सी अपॉन लैम्बडा का वैल्यू कम होगा उसके लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं हो पाएंगे। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि एच सी अपॉन लैम्बडा ये आएगा बच्चों, एच सी होता है 12,400 एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्बडा का वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 4100 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम हो गया कैंसिल, 00 कैंसिल। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो 3 ईवी आ रहा है। तो यहां पर एस ए अपॉन लैम्बडा का वैल्यू आ रहा है 3 ईवी। तो अब हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि ए के लिए फाइन आउट का वैल्यू 3 से कम है, इट मींस ए से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। बी के लिए भी फाइन आउट का वैल्यू कम है, बी भी आएगा, और सी के लिए जो है वो फाइन आउट का वैल्यू ज्यादा है 3 से। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि ए और बी इन दोनों से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, ओके। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बच्चों अगला आता है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि अगर एक मेटल सरफेस पर हम लैम्डा वेवलेंथ की लाइट डालें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 4.8 वोल्ट है, और अगर उसी वेवलेंथ को हम बढ़ा करके डबल कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 1.6 वोल्ट रह जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी होगी इस सरफेस के लिए। तो हमें पता है एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू, इसको मैं वर्क फंक्शन लिख देता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वल किससे कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी जो है उसी को हम ई वी एस की इक्वल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू उसी को हम लिखते हैं E into Vs। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं E Vs। ये तो हमारी बेसिक इक्वेशन। पहले वाले केस में Vs की वैल्यू कितनी गिवन आपको? तो केस वन के लिए आपको गिवन है Hc बटा लैम्डा वर्क फंक्शन E, और ये कितना दिया आपको? 4.8 वोल्ट। तो यहाँ 4.8 वोल्ट रख दो पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दी गई आपको जिसमें 1.6 वोल्ट है और डबल वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ की जगह तो हमने कर दिया डबल वर्क फंक्शन E 4.8, और यहां आ रहा है 1.6, है ना। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, हमें इसमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है। तो
तो एक बार हम क्या करते हैं, इस वाले फैक्टर को एलिमिनेट कर देते हैं, तो तीन से मल्टीप्लाई करता हूं और माइनस करता हूं, तो इक्वेशन टू को मैं तीन से मल्टीप्लाई करके उसमें से इक्वेशन वन को माइनस कर देता हूं। एच सी बाई टू लेमडा को तीन से मल्टीप्लाई किया, तीन एच सी बाई टू लेमडा, एच सी बाई लेमडा माइनस हो गया उसमें से, तीन वर्क फंक्शन माइनस टू वर्क फंक्शन, तो हो जाएगा थ्री डब्ल्यू माइनस टू, थ्री डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, और ये थ्री इंटू 1.6 से पूरा कट जाएगा। तो फाइनली मेरे पास आ रहा है यहां से दो इंटू वर्क फंक्शन एच सी बटा दो लैम्डा। ओके, अब वर्क फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, एच सी बटा लैम्डा नॉट, तो टू एच सी बाई लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एच सी बाई टू लैम्डा, एच सी से एच सी कटेगा, तो ये यहां पर लैम्डा नॉट मेरे पास हो जाएगा लैम्डा बाई, सॉरी लैम्डा नॉट हो जाएगा फोर लैम्डा, तो ये इसमें वर्क फंक्शन हो जाएगा हमारे साथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की मिल जाएगी फोर लैम्डा, अपना ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सेकेंड ऑप्शन, है ना। तो ये इजी क्वेश्चन है, केवल दो इक्वेशंस बना के आपको सॉल्व करना है। ओके बेटा, ओके बच्चों, आ गया हमारा 22वां प्रश्न, और यहां पर आपसे कहा गया कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहां पर 2 न्यू नॉट, और न्यू नॉट क्या है यहां पर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब जब हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी को किया चेंज 5 न्यू नॉट, तो उस केस के लिए इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो v2 है, और फर्स्ट केस में है वेलोसिटी v1। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट h न्यू स्टार्टिंग में न्यू 2 न्यू नॉट है, सो यह आएगा h into 2 न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, एंड इट इज हाफ m v1 स्क्वायर। सेकंड केस में आपने क्या किया, 5 न्यू नॉट कर दिया, इट मींस इट विल बी h into 5 न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, दैट विल बी हाफ m v2 स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए इसको, सो फ्रॉम हियर हाफ m कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा बच्चों यहां पर 2 माइनस 1 दैट विल बी h न्यू नॉट, और यहां पर आएगा 5 माइनस 1 दैट विल बी 4 h न्यू नॉट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट v1 अपॉन v2 का स्क्वायर ये आ रहा है बच्चों 1/4, सो फ्रॉम हियर वी कैन से v1 अपॉन v2 ये आएगा बच्चों 1/2, इट मींस रेशियो विल बी 1:2, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, अगला आता है अपना 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो पार्टिकल हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाके एक दूसरे से इनलास्टिक कोलिजन करते हैं, मतलब पूर्णतः अप्रत्याशित टक्कर, तो हमें पता है इसमें दो पार्टिकल चिपक जाएंगे। तो अब दो पार्टिकल जो हैं जिनकी वेवलेंथ आपको दी हुई लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो मैं इसका मोमेंटम मान लेता हूं पी 1, दूसरे का मोमेंटम मान लेता हूं पी 2, ठीक है। अब इस केस में जब ये कॉम्बाइन होंगे तो कुछ इस तरह का पार्टिकल तीसरा बनेगा, लेकिन यहां पर जो कॉम्बाइन हुआ इस पूरी प्रोसेस में क्या मोमेंटम चेंज होगा, नहीं, मोमेंटम जो है वो इक्वल, मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल रहेगा। ओके, अब फाइनल मोमेंटम जो है और इनिशियल मोमेंटम को मैं कैसे लिख सकता हूं, इनिशियल मोमेंटम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मोमेंटम हो तो उनका नेट मोमेंटम क्या आएगा, एम वन स्क्वायर सॉरी पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास मोमेंटम। अब इस केस में स्क्वायर करते हैं तो पी स्क्वायर इज पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर, हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो मोमेंटम के इनवर्स में होती है एच अपॉन पी, तो पी को मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर एच अपॉन लैम्डा वन स्क्वायर एच अपॉन लैम्डा टू स्क्वायर। ओके, तो इससे मेरे पास एच कट के आ जाएगा वन अपॉन लैम्डा स्क्वायर, 1 upon lambda square is 1 upon lambda 1 square plus 1 upon lambda 2 square, तो अपना option यहाँ पे हो जाएगा, देखें fourth option जो है वो correct है। एक simple सा आपको momentum conservation का concept लगा करके, देखो जब भी डी ब्रोगली वेवलेंथ के क्वेश्चन आएंगे ना momentum निकालना पड़ेगा, और momentum निकालने में जो mechanics में आप क्वेश्चन करते हो वो छोटे छोटे concept यहाँ पे काम आएंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और यहां पर आपसे कहा गया कि एक न्यूक्लियस है विच ऑफ विच डी ब्रोगली वेवलेंथ है यहां पर लैम्डा है, अंडरगोस स्पॉन्टेनियस फिजन, मतलब यहां पर ये जो न्यूक्लियस है ये ब्रेक हुआ है दो पार्ट्स के अंदर, और दोनों का जो मास है वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा
न्यूक्लियस और ये हुआ ब्रेक टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ये था पहले न्यूक्लियस है, ओके। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि फर्स्ट केस में, मतलब यहाँ पर लैम्डा ए जो है वो आपको दिया गया है, ठीक है। और आपसे कहा कि यहाँ पर बी फ्लाइज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए, बी जो है वो ए की ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर ए जो है वो वेलोसिटी वी के साथ चल रहा था तो बी भी उसी डायरेक्शन के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब क्या कहा, व्हाइल सी फ्लाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन, सी जो है ये पार्ट है हमारा सी, ये जो है ये इसके अपोजिट में जा रहा है विद ए वेलोसिटी इक्वल टू द हाफ ऑफ दैट ऑफ बी। तो अगर हम लोग कहें कि बी का वेलोसिटी है वी डैश, तो सी का है यहां पर वी डैश बाय टू, सही बात है। देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ए, लैम्डा बी एंड लैम्डा सी का वैल्यू यहां पर लैम्डा ए की टर्म्स में क्या होगा, ओके। देखिए बच्चों, लैम्डा होता है बच्चों एच अपॉन एम बी, इट मींस यहां पर लैम्डा जो है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए बच्चों, ये अगर ब्रेक हुआ है तो उस केस के अंदर इसका टोटल मोमेंटम ब्लास्ट से पहले और ब्लास्ट के बाद सेम रहेगा। इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन से पी ए दैट विल बी पी वी प्लस पी सी, ठीक है। हमने क्या कहा, पी ए के लिए मास हमने कहा एम, वेलोसिटी मान ली थी हमने बी, ठीक है। और पी बी जो है वो जा रहा है आगे की ओर, ये आएगा बच्चों मास, इसका मास है एम बाई टू और वेलोसिटी कितनी है बी डैश। सी की बात करें तो ये जा रहा है अपोजिट में, तो यहां पर आएगा मास इसका एम बाई टू, वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों माइनस वी डैश, ठीक है यहां तक। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो एम से एम यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ओके ओके बच्चों। और यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ सी है वो आएगा वी डैश बाई टू एंड दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर आएगा माइनस वी डैश बाई टू। तो यहां से हमने किया सॉल्व तो ये आ रहा है बच्चों वी डैश बाई टू, ये कितना आ रहा है माइनस वी डैश बाई फोर, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट वी डैश बाई फोर। तो यहां से आपको वी डैश का वैल्यू मिल रहा है फोर वी, और वी यहां पर क्या था ए का वेलोसिटी। अब देखिएगा बच्चों, अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं लैम्डा बी की, यह आएगा एच अपॉन मास ऑफ बी, बी का मास एम बाई टू है, वेलोसिटी कितनी ली थी हमने इसकी वी डैश, वी डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है फोर वी, ठीक है। यह आएगा यहां पर टू, सो यहां से आ रहा है एच अपॉन टू एम बी। और यहां से हम लोग अगर देखें तो ये था हमारा लैम्डा ए, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दिस विल बी लैम्डा ए बाई टू आ गया लैम्डा बी का वैल्यू। ऐसे ही हम लोग यहां पर लैम्डा सी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आएगा एच मास कितना बाई टू, वेलोसिटी कितनी थी इसकी, वेलोसिटी थी बी बाई टू, ओके बी बाई टू वी डैश बाई टू। तो ये आएगा बच्चों एम बाई फोर, वी डैश का वैल्यू कितना है फोर बी, सो फ्रॉम हियर फोर से फोर कैंसिल, ये आ रहा है एच अपॉन एम बी, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट इट विल बी इक्वल टू दी लैम्डा ए। तो लैम्डा सी का वैल्यू होगा लैम्डा ए के बराबर और लैम्डा बी होगा लैम्डा ए बाई टू, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट ऑप्शन नंबर तब इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी ना तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इस केस में अपना एक ही ग्राफ यहां सही है फोर्थ ग्राफ, ओके बच्चों। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट 26, ओके बच्चों। यहां पर आपसे कहा गया है कि आपको यहां पर ईके और न्यू के बीच का ग्राफ दिया गया है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं बच्चों एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये क्या होता है ईके
y एक्सिस पर कौन है बच्चों? ई के। सो फ्रॉम हियर यदि हम लोग इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लाए तो इसको यहाँ ले आएंगे, सो ये आएगा बच्चों ई के, ये आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर हमारे जो स्लोप होगा, क्योंकि ये है ग्राफ न्यू और ई के बीच, तो स्लोप होगा हमारा एच, मतलब प्लैंक कॉन्स्टेंट। सो फ्रॉम हियर थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 27 में आपको ग्राफ क्रॉस चेक करने हैं, तो आपको तीन ग्राफ दिए हैं ए और बी और सी के। तो देखो जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है ना, जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है मतलब उन फोटोन की फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इस केस में ए और बी के लिए, ए और बी के लिए फ्रीक्वेंसी तो सेम है जो इंसिडेंट लाइट है उसकी, लेकिन क्या इन पे फोटो करंट सेम है? नहीं, देखो अलग अलग है ना, तो जिन पे फोटो करंट अलग अलग है उनमें इंटेंसिटी अलग अलग है। इसका मतलब ए और बी के लिए इंटेंसिटी इक्वल नहीं है। तो ए और बी के लिए फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी इक्वल नहीं है। बी और सी में देखें तो बी और सी में देखो करंट की वैल्यू सेम है, सेचुरेशन करंट की, इसका मतलब उनकी इंटेंसिटी सेम है। तो इंटेंसिटी बी और सी के लिए तो सेम है लेकिन उनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है ना, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि बी और सी की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है। तो अब इन दोनों ऑप्शन को, इन बातों को जो ऑप्शन कह रहा हूं देखते हैं। ए और बी में इंसिडेंट रेडिएशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है, तो ए और बी में इंसिडेंट रेडिएशन डिफरेंट नहीं है, सेम है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। यहां पे दूसरे को पढ़ते हैं, ए और बी रिप्रेजेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सेम फ्रीक्वेंसी, ए और बी में सेम फ्रीक्वेंसी सही बात है, डिफरेंट इंटेंसिटी ये भी बात सही है, तो अपना बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। बाकी भी पढ़ लेते हैं अपन। बी और सी में रेडिएशन जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है, तो बी और सी में रेडिएशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का, ये तो सही है लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन में ये चीज गलत है। और फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन बोला है बी और सी में सेम फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा यहां पे, तो ये अपना ये भी गलत हो गया। तो अपना केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, इसमें दोनों बातें सही लिखी हुई है ना, तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो कंप्लीटली सही है। ओके बच्चों, तो ये हमारा 22वां प्रश्न, और यहाँ पर आपसे कहा गया है इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर द लाइमन एंड टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज विल बी। तो बच्चों एज वी नो 1/λ होता है आर जेड स्क्वायर, 1/N1² माइनस 1/N2² लाइमन के लिए N1 का वैल्यू कितना बच्चों? 1। और ये हमसे बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब वो उसके सबसे पास वाले किसी ऊपर वाले शेल से जब जंप करता है। तो हम लोग यहां पर N2 का वैल्यू लेंगे 2, ठीक है यहां पर। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 1/λ, दैट विल बी आर जेड स्क्वायर, हियर इट विल बी 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर किया 4 आ जाएगा, ये आएगा बच्चों 3/4 आर जेड स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये था हमारा बच्चों लैम्ब्डा 1 मान लेते हैं इसको। अब उसके बाद बात की है इन्होंने बामर के लिए। बामर के लिए बच्चों N2 का वैल्यू होता है 2, फिक्स होता है N1 का वैल्यू होता है 2, ठीक है N1 का वैल्यू 2 और N2 का वैल्यू यहां पर हमें जस्ट ऊपर वाला जो शेल है N2 का वैल्यू 3 आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर लैम्ब्डा 2 दैट विल बी आर जेड स्क्वायर, दिस विल बी 1/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये आएगा 3 का स्क्वायर 9। सो फ्रॉम हियर वी विल सी दैट ये आएगा बच्चों आर जेड स्क्वायर 36 आ जाएगा और ये आएगा ऊपर 5। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहां पर λ1/λ2 का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट λ1/λ2, ये वाला पार्ट हमने कहा लिया ऊपर, आर जेड स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस पार्ट विल बी 5/36 एंड दिस इज 3/4। ओके सो यहां पर ये हो गया 9 टाइम्स कैंसिल, सो ये आएगा 5/27। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बच्चों अगला आता है 29, इसमें आपको बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 1 से n = 10 में जा रहा है, मतलब हायर ऑर्बिट में जा रहा है,
तो हायर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो याद रखो उसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, वो बाहर से फोटोन से एनर्जी लेगा। हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू जो है ना, अब इसमें बोल रहे पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर जो होती है एनर्जी -13.6 टोटल होती है, पोटेंशियल इसका डबल होती है ना, पोटेंशियल इसका डबल कितना हो जाएगा बेटा 27.2। तो इस केस में 27.2 नेगेटिव है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट में जाता है ये वैल्यू कम होती है, लेकिन नेगेटिव में कम होने को बोलते हैं बढ़ना, है ना, याद रखना वैल्यू तो कम होगी ऊपर जाने पे, अपर ऑर्बिट में जाने पे वैल्यू कम होती है, लेकिन नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब ओवरऑल बढ़ना बोलते हैं। तो इस केस में अपने पास बोल रहे हैं n इक्वल्स टू 1 से 10 में जाने पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये बढ़ेगी, है ना, तो वैल्यू वाइज तो कम हो रही है लेकिन उसको नेगेटिव इसलिए बढ़ना बोलेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ये हमारा 30th क्वेश्चन, और यहां पर आपसे कहा गया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम इट्स हायर स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, तो उस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा। एज वी नो बच्चों की वी होता है प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन, ठीक है, एन का वैल्यू यहां पर कम हो रहा है क्योंकि ये जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, एन का वैल्यू कम होगा, वी का वैल्यू बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सो के विल इंक्रीज। और याद रखिए टोटल एनर्जी ये होती है बच्चों माइनस का के बराबर, तो अगर के ही बढ़ रहा है तो माइनस साइन की वजह से टी कम हो जाएगा, ठीक है, और टी जो है टोटल एनर्जी ये होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी बाय टू, सो फ्रॉम हियर वी कैन से अगर टी कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला आता है 31वां, इसमें आपको पूछा है कि इसका आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है इलेक्ट्रॉन को और उसकी एनर्जी दी गई है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए तो बच्चों अपने पास रिलेशन क्या होता है, पहले तो एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 1.5 दिया हुआ है, एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके, तो अब इस केस में हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो गया, यहां पर जेड की वैल्यू 1, तो अब यहां पे वैल्यू डालेंगे तो अपने पास n हो जाएगा 13.6 अपॉन 1.5, सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर बनेगा 9, तो n बन जाएगा 3। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम l क्या होता है, mvr, लेकिन mvr से कैलकुलेट नहीं करना, ये होता है 3 टाइम्स ऑफ h अपॉन 2π, mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2π होता है, n की वैल्यू 3 डाल दो तो 3 H को लिखो 20/3 10^-27 और इस केस में 2π तो ये 2π तो ये 3 से 3 कटम, ये 2 10 10/π होता है 3 पॉइंट समथिंग कुछ कैलकुलेशन में आएगा, तो ऑलमोस्ट 3.14 पाई स्क्वायर को अपन 10 लिखते हैं तो इसको पाई लिख दो वापस, तो 3.4 -34 होगा इधर इनटू 10^-34, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा इस केस में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। तो ये सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बिल्कुल इजी फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। ओके बच्चों, 32वां प्रश्न, और यहां पर आपसे कहा गया कि इन व्हाट आर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम। ओके, तो यहां पर जेड का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 3। As we know कि E होता है -13.6 into जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हमें यहां पर n का वैल्यू कितना बच्चों यहां पर 1, so from here we can say energy that will be 13.6 into जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू कितना दिया 3, तो ये आएगा 13.6 into 9, और इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये आएगा -122.4। ओके, और ईवी में प्राप्त होगा, अब इसी के बराबर हमें एक्सटर्नली एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हमको पॉजिटिव एनर्जी देनी होगी। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। बच्चों 33वें में आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो हमें पता है टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है, तो इसी रेशियो को आप लोगे तो ये कितना आ जाएगा -1, सिंपल सा क्वेश्चन।
तो ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, और यहाँ पर आपसे कहा गया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बॉर ऑर्बिट इज, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो इनमें से किसके डिपेंडेंट होगी। सो एज वी नो कि एम वी आर होता है बच्चों एन एच अपॉन 2 पाई, 2 पाई को यहाँ ले आओ 2 पाई आर बन जाएगा, यह आएगा एन एच अपॉन एम बी, ये आएगा बच्चों एन एच अपॉन एम बी, और एच अपॉन एम बी क्या होता है लैम्ब्डा, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट एन लैम्ब्डा दैट विल बी 2 पाई आर। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इन द फर्स्ट बॉर ऑर्बिट, इट मीन्स एन का वैल्यू कितना लिया हमने 1 लिया, सो फ्रॉम हियर वी कैन से लैम्ब्डा का वैल्यू आएगा बच्चों 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज 2 पाई आर, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बच्चों 35वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल जब किसी न्यूक्लियस की तरफ जाता है तो वो कुछ डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाएगा, एक टच तो करेगा नहीं ना, तो इस केस में वो बोल रहे हैं कि जो डिपेंड उसकी डिस्टेंस है कि कितना वो पास तक आ रहा है, वो डिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करती है मास पे। तो देखो जब ये यहां से वी स्पीड से आना शुरू करता है पार्टिकल है ना, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मास आपको एम दिया हुआ हैवी न्यूक्लियस है, तो उसका मास काफी बड़ा है और इसको ऑलमोस्ट आपको फिक्स मानना हैवी टू है ना, यहाँ पे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का ही रिजल्ट होता है। तो अब इस केस में जब यहाँ पे पास आएगा तो कुछ डिस्टेंस बाद जाकर के इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फाइनल स्पीड 0, और ये इसकी डिस्टेंस मान ली आर। तो इसका मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम ये बोल सकते हैं सारी की सारी हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है Q1 Q2 / R, तो Q1 मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, Q2 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज अपॉन R। तो इसका मतलब देखो R की डिपेंडेंसी किस पे आ रही है, कैसे आ रही है, मास पे 1/m, तो R मास पे 1/m डिपेंड होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल का मास जितना कम होगा ना उतना ही वो पास तक आ जाएगा उस केस में, तो मास जितना कम सॉरी R उतनी ज्यादा। तो अब अपना आंसर हो गया यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ करेक्ट है। ओके बच्चों, बच्चों अब 36 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि फ्यूल कंजम्पशन की जो रेट है वो है 1 mg/s, ओके दैट इज आवर एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है सॉरी मास अपॉन टाइम इट इज, ओके और आपसे यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट विल बी द पावर जनरेटेड इन किलोवाट, किलोवाट के अंदर पावर का वैल्यू क्या होगा, सो ई होता है बच्चों mc स्क्वायर, अगर टी यहाँ पर हम लोग करें अप्लाई तो ये आएगा एम अपॉन टी जिसका वैल्यू है हमारे पास, और ई अपॉन टी क्या होता है बच्चों पावर, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट एम अपॉन टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 mg/s, और सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मिली भी दिया हुआ है, चेंज किया हमने इसको, और ग्राम में भी है तो इसको भी हमने किया चेंज किलोग्राम में, ओके तो ये आएगा 3 × 10⁸ और यहां पर आएगा सी स्क्वायर इज देयर, ठीक है सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी 9 एंड हियर इट विल बी 10⁻⁶ इट विल बी 10⁻⁶ सॉल्व किया तो 9 × 10⁻² ये आ रहा है 10, लेकिन ये आपको किलोवाट के अंदर पूछ रहा है किलोवाट में इसको करना है चेंज तो डिवाइडेड बाय 10⁻³, तो ये आएगा 9 × 10⁷ किलोवाट, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर आपको 210 दिया हुआ है, और ये इनिशियली रेस्ट में था अल्फा पार्टिकल इमिट करके ये डीके हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का मास हमें पता है 210 मास का पार्टिकल अगर एक है उसमें से फाइनली एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है 4m मास का, तो अब इसमें से 4m मास का पार्टिकल अगर v स्पीड से निकल रहा है तो ये पूछ रहा है रिकॉइल स्पीड कितनी होगी, तो बचे हुए का मास कितना बचेगा 206, इसकी स्पीड मान लेते हैं v डैश, हमें पता है मोमेंटम कंजर्व रहता है इस प्रोसेस में क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था, तो जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम भी होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम अल्फा का अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, तो ये v डैश माइनस में आ जाएगा, इससे v डैश आ जाएगा 4v/206, तो अपना ऑप्शन यहां पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 38 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमें मर्ज करके या कंबाइंड करके यहाँ पर हीलियम का एक न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल बनाना है। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिक्स होंगे तब हमारा प्राप्त होगा अल्फा पार्टिकल, और इसका जो मास होता है वो होता है 4। ठीक बात है। तो यहाँ पर डेल्टा एम का वैल्यू क्या आएगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इस टोटल मास में से हम लोग हीलियम का जो सॉरी अल्फा का जो मास है उसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमें यहाँ पर प्राप्त होगा डेल्टा एम, और फिर हम लोग यहाँ पर डेल्टा एम को एनर्जी के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर नाउ देयर इज सम कैलकुलेशन, 2 एम पी का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, प्रोटॉन का मास है 1.0073, न्यूट्रॉन का मास कितना दिया हुआ है 1.0087, और इसमें से हमें माइनस करना है अल्फा के मास को, दैट इज 4.0015। सो 4.0015, तो यहां से आपको सॉल्व करने पर प्राप्त होगा 0.0305 AMU। ठीक है, और अब हम लोग इस MU को MeV में यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे चेंज, 0.0305 इंटू 1 MU होता है 931 MeV, सो 931 से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 28.4 MeV मिल जाएगा। ओके, दैट इज आवर मास डिफेक्ट, और वी कैन से दैट दैट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बच्चों 39 में आपको एक रिएक्शन दी गई है और इसमें आपको कितनी एनर्जी मुक्त होगी वो आपसे पूछा गया है। तो देखो आपको प्रति न्यूक्लियन जो पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी एक्स और वाई की दी हुई है वो तो 8.5 दी हुई है, तो इन दोनों की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 117 और 117, तो ये हो जाएगा 117 + 117 × 8.5, तो ये हो रहा है मेरे पास 234 × 8.5। एक बार हम देख लेते हैं, इसके लिए यूरेनियम के लिए दिया हुआ है 7.6, तो ये हो जाएगा 236 × 7.6। अब देखो अपने यहाँ जो ऑप्शंस है ना वो काफी दूर दूर है, तो यहाँ मैं कैलकुलेशन में अगर थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर है, है ना। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करूंगा। देखो इसको मैं लिखता हूं 234 × 7.5 + 234 × 1, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं लिख देता हूं 236 × 7.5 अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेशन कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। अब ध्यान रखना हमें इनका डिफरेंस लेना होता है, जो बड़ी एनर्जी उसमें छोटी एनर्जी का डिफरेंस लेना, तो सिंपल सा रूल यही है ना। तो यहाँ पे देखो 7.5 और 7.5 इसको डिफरेंस करोगे तो माइनस में, अब तुम इसमें से इसको माइनस कर दो तो इसको अपन मान लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं E1, तो अपनी जो Q वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी E2 - E1। चलो इसको माइनस करोगे 234 में 236 गया तो अपने पास बचेगा माइनस का 2 × 7.5 और एक 234 बच गया इधर, तो 234 ये बच गया मेरे पास ऑलमोस्ट 219 मान लो, पर 219 के पास वाला ऑप्शन कौन सा है। देखो बाकी ऑप्शन सारे बहुत दूर दूर है, इसीलिए तो मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ऑप्शन यहां हो जाएगा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अप्रोक्सीमेशन करना है, यही इस क्वेश्चन से आपको सीखना था, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर एग्जामिनर ने जानबूझ के दिए ताकि आप अप्रोक्सीमेशन कर सको। ओके बच्चों, अगर ऑप्शन ऐसे होते 200, 210, 205 तो फिर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता। ओके बच्चों, तो ये हमारा 40वां प्रश्न, और यहाँ पर आपको एल मतलब एल्यूमिनियम की जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो आपको यहाँ पर दी गई है 3.6 फर्मी, और आपको टी के लिए रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो एज वी नो आर क्या होता है बच्चों, आर नॉट इंटू ए रेज टू 1/3, यहाँ पर ए क्या है एटोमिक मास, ठीक है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए ये आ रहा है 36 फर्मी, ये आएगा आर नॉट, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 27 रेज टू 1/3, और अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं टी के लिए रेडियस
मान लीजिए इसका आर डैश है, यहाँ पर आएगा आर नॉट, मास कितना दिया 125 और इसकी पावर 1/3 डिवाइड किया हमने आर नॉट से, आर नॉट कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपको मिलेगा 36 अपॉन आर डैश, ये आएगा बच्चों ऊपर 3 और ये आएगा बच्चों 5, सब राम हियर वी कैन सी आर डैश का वैल्यू यहां से आएगा, ये आएगा 1.2 है तो ओके ओके 6 फॉर मी, सब राम हियर वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 41वां थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का चेंज कैसे होता है ग्राफ में जब हम मास नंबर बढ़ाएं, तो आपको पता है ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होता है, तो इस तरह से ग्राफ होता है मतलब पहले बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है पर न्यूक्लियॉन, उसके बाद वैल्यू कम होने लग जाती है, तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज विद इंक्रीज इन मास नंबर, तो इस तरह का ग्राफ होता है आपका ई वी बार का ए के साथ, तो ये एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या वृद्धि के साथ पहले बढ़ती है फिर कम हो जाती है। ओके बच्चों उसके बाद आता है 42 और यहाँ पर ये भी एकदम थ्योरेटिकल है, मतलब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि हैवी वाटर को किस रूप में हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए इसका यूज होता है, इट मीन फ्रॉम हियर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स ऑफ थर्मल एनर्जीज, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, इसमें और कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। ओके सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 43 में आपको बोला कि एक प्रोटॉन और एक प्रति प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं और एक दूसरे से मिक्स होने के बाद वो एनर्जी जनरेट करते हैं, तो देखो जितना भी उन दोनों का मास है ना वो सारा का सारा मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो अपन यहाँ पे एक सिंपल सा इक्वेशन बना लेते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना। अब एक प्रोटोन का जितना मास होता है उतना ही एंटी प्रोटोन का भी होता है, तो यहाँ पे प्रोटोन का मास 1.67 × 10⁻²⁷ का डबल और इधर आ जाएगा 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो ये ऑलमोस्ट आएगा मेरे पास 3.3 × 10⁻²⁶ + 16, तो ये बन जाएगा 3.33 लगभग 10 और ये हो जाएगा मेरे पास सॉरी इधर 9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और 3 तो अपना पास लगभग 30 बचेगा, ये 30 और ये आ जाएगा 10⁻², ये आ जाएगा मेरे पास -11, तो ये बनेगा मेरे पास 3 × 10⁻²⁰ - 10 जूल जो कि अपना दूसरा ऑप्शन है सही। ओके बच्चों तो ये हमारा 44 क्वेश्चन और इसमें आपसे कहा गया कि ड्यूरिंग ए नेगेटिव बीटा डीके, तो इसकी जो इक्वेशन होती है ये आपको पता होनी चाहिए, ये होता है बच्चों 0 and 1 दैट विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल एमिट। ओके इलेक्ट्रॉन का मास 0 चार्ज -1 और इसके अंदर एक एंटी न्यूट्रिनो भी जनरेट होता है और उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी जो है वो उत्पन्न होती है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होगा, लेकिन कहाँ से होगा न्यूक्लियस से, सो नाभिक में या यूं कहें न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डीकेस इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बच्चों 45वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक न्यूक्लियस दिया हुआ है जिसका मास नंबर और ये कुछ आपको चेन रिएक्शन दी गई है, तो पहले देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, जेड से जेड प्लस वन कब होता है जब आप यहाँ पे देखो ये जेड है ना, अब आप यहाँ पे वाई लिख रहे हो जेड प्लस वन और इधर आप मास नंबर चेंज नहीं कर रहे हो, मास नंबर चेंज नहीं है लेकिन एटॉमिक नंबर तो चेंज हुआ ना, इसका अंदर क्या चीज निकली होगी -1e₀, फिर उसके बाद आपने इससे बनाया जेड -1 के ए माइनस फोर, अब देखो एटमिक मास नंबर 4 से कम हो रहा है इसका मतलब क्या चीज निकली होगी, इसका मतलब 2He4 यानी कि अल्फा पार्टिकल निकला होगा, फिर उसके बाद आपने वापस इसमें से अब देखो आपने ना तो मास नंबर चेंज किया ना आपने एटमिक नंबर चेंज किया इसका मतलब गामा फोटोन निकला होगा, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा अपने पास जेड माइनस वन ए माइनस फोर और साथ में गामा फोटोन, तो ऑर्डर क्या है निकलने का, सबसे पहले आएगा ये क्या चीज होती है बीटा, ये क्या चीज होती है अल्फा और उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है गामा, तो बीटा अल्फा गामा ये मेरे पास आ जाएगा सेकंड ऑप्शन सही, तो यहाँ पे सिंपल आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर इनको चेक एटॉमिक नंबर इनको चेक करना था और उससे आपका आंसर जो है वो इजीली बन रहा है।
इसके बाद आता है बच्चों 46 और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आयनाइजेशन कैपेसिटी। तो बच्चों अल्फा बीटा और गामा की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अल्फा के ऊपर होता है +2 चार्ज, बीटा के ऊपर -1 चार्ज और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। जो जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसका आयनाइजेशन पावर भी ज्यादा होगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि अल्फा ज्यादा होगा, बीटा कम, गामा सबसे कम। सो फ्रॉम हियर सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आपको बोला है कि 8 घंटे के बाद x के सब्सटेंस जो है वो इनिशियल का 1/16 हो जाते हैं और y के सब्सटेंस जो है वो 1/256 हो जाते हैं। तो देखो अगर हम n हाफ लाइफ की बात करें तो n हाफ लाइफ के बाद किसी भी सब्सटेंस का नंबर जो बचता है वो बचता है n नॉट अपॉन 2 की पावर n। अब x के लिए अगर अपन लिखे इसको तो x के लिए कितना बचा बेटा, n नॉट डिवाइड बाय 16 इज n नॉट बाय 2 टू द पावर n। तो इसके लिए n x कितना आ जाएगा, 4। मतलब x की तो 4 हाफ लाइफ हुई है। अब 8 घंटे x की 4 हाफ लाइफ के बराबर है, इसका मतलब x की जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, 2 घंटे रही होगी, तभी तो 4 हाफ लाइफ मिलके 8 घंटे हो जाएंगे। उसी तरह से y के लिए देखें तो y के लिए आपको नंबर दिया हुआ है n नॉट अपॉन 256 जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 की पावर 8। तो इसका मतलब जो n आएगा y के लिए वो आएगा 8। तो y के लिए 8 हाफ लाइफ जो है वो 8 घंटे के बराबर है। तो एक हाफ लाइफ कितनी होगी बेटा y की, 1 घंटे के बराबर। अब हमसे क्या पूछा है, x और y की हाफ लाइफ का रेशियो पूछा है। तो x और हाफ लाइफ y की हाफ लाइफ 2 और 1, तो रेशियो आ जाएगा मेरे पास 2:1 फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो अब है 48वां प्रश्न और यहां पर आपसे कहा गया है कि अगर रेडॉन डीके हो रहा है पोलोनियम के अंदर एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल एंड इट्स हाफ लाइफ कितनी है, 4 days, ओके, और इसमें स्टार्टिंग में जो एटम्स है वो है 6.2 × 10^10। तो आफ्टर 12 डेज मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडॉन कितने रह जाएंगे 12 दिन के बाद। तो बच्चों हाफ लाइफ कितनी है, 4 दिन, टोटल लाइफ कितना है, 12 दिन, तो 12/4 इट मीन्स 3 हाफ लाइफ्स पास होंगी, ठीक बात है। अब n अपॉन n नॉट ये होता है 1/2n, जहां पर n क्या है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो यहां से हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। n नॉट का वैल्यू आपको दिया गया है 6.4 × 10^10, ओके, और ये आएगा 1/2^3, मतलब 8 आ जाएगा। सॉल्व किया ये आएगा 0.8, सो फ्रॉम हियर वी कैन से 0.8 × 10^10, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला 49 सिंपल से क्वेश्चन है। आपको बोला है कि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो मास नंबर पे कैसे डिपेंड करता है। हमें पता है रेडियस जो है वो मास नंबर की 1/3 पावर पे डिपेंड करती है और वॉल्यूम खुद रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता है। तो रेडियस की पावर 1/3 का आप क्यूब करोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस की साइज बढ़ेगी सिंगल पावर की प्रोपोर्शनलिटी के साथ। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, ओके बच्चों, इसके बाद है हमारा 50वां प्रश्न और इसमें आपसे कहा गया है कि मटेरियल की जो हाफ लाइफ है वो है 8 years। तो हाफ एक्टिविटी को यहाँ पर 1/8 होने में कितना टाइम लगेगा। तो बच्चों एक्टिविटी के लिए भी वही रिलेशन होता है जो नंबर्स के लिए होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से a अपॉन n नॉट इट विल बी 1/2^n, ठीक है। एक्टिविटी 1/8 करनी है, इट मींस a का वैल्यू क्या आएगा, a नॉट बाई 8। सो फ्रॉम हियर वी कैन से a नॉट बाई 8 इट इज a नॉट इट इज 1/2^n, ठीक है। n नॉट से n नॉट कैंसिल, तो यहां से आएगा n का वैल्यू 3, ठीक है। n का वैल्यू 3 मतलब 3 हाफ लाइफ पास होनी चाहिए। सो एक हाफ लाइफ में कितने साल है, 8, तो 3 हाफ लाइफ में 24 इयर्स। सो फ्रॉम हियर फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला 51वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उनके डीके कांस्टेंट आपको अलग-अलग दिए गए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि कितने टाइम के बाद उनका जो रेशियो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस का जो बचे हुए न्यूक्लियस है वो रेशियो 1/E होगा। तो देखो इस केस में ए का
और बी का आपको रेशियो जो है वो पूछा है। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो सेम है, e टू द पावर माइनस लैम्डा। अब लैम्डा कितना दिया हुआ है, ए के लिए दिया हुआ है 8 लैम्डा, बी के लिए दिया हुआ है लैम्डा टी, और यहां वैल्यू, ये वैल्यू कितनी दी गई है 1 बाई ई। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, एन नॉट एन नॉट काट दूंगा, तो ये e की पावर माइनस 7 लैम्डा टी, ये लैम्डा टी को ऊपर ले जाओगे प्लस में आ जाएगा, है ना। तो यहां पे ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 7 लैम्डा टी इज e की पावर माइनस 1। इसका मतलब इस इक्वेशन से मुझे ये पता लग रहा है 7 लैम्डा टी इज 1, तो टी इज 1 बाय 7 लैम्डा, आपका ये आंसर आ गया। तो 1 बाय 7 लैम्डा आपका दूसरा ऑप्शन यहां सही है। ओके बच्चों, 52वां प्रश्न है और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, जहां पर Bn क्या है बच्चों, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और A क्या है यहां पर मास नंबर। तो ये ग्राफ वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि आयरन तक ये ग्राफ ऊपर जाता है, उसके बाद ये ग्राफ घटने लगता है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि आयरन का होता है मास 56, सो पहले ग्राफ ऊपर जाएगा उसके बाद गिरेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ओके बच्चों, 53 क्वेश्चन में आपको एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए dN by dt का ग्राफ पूछा है टाइम के साथ। हमें पता है टाइम के साथ जब नंबर ऑफ एटम न्यूक्लियस घटते हैं, एक्टिव न्यूक्लियस की नंबर जब कम होती है, इस रिलेशन से कम होती है, और dN by dt जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये dN by dt, इसको हम एक्टिविटी बोलते हैं, ये एक्टिविटी का भी फॉर्मूला हमारा आता है a नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। इसका मतलब टाइम के साथ dN by dt कम होगा और एक्सपोनेंशियली कम होगा, तो कम होने वाला अपना ग्राफ केवल थर्ड ऑप्शन है। और अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन से टाइप का सेमी कंडक्टर बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर एनी का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों, इसके लिए आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि नेचुरल स्टेट में एन स्क्वायर इज इक्वल टू डॉप्ड स्टेट के अंदर Ne into NHK बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे पहले, Ne और Nb का वैल्यू ये होल्स, ये NH है बच्चों ये, ओके 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 ठीक है। तो यहाँ पर Ne और NH का वैल्यू सेम है, इट मींस फ्रॉम हियर कि यहाँ पर आपको N का वैल्यू दिया गया है 1.5 × 10⁻⁙ और NH भी आपके पास है, सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट Ne। ओके, सो सर थोड़ा, तो Ne का वैल्यू यहां से आएगा बच्चों N स्क्वायर अपॉन NH। N का वैल्यू कितना था, एक सेकंड, N का वैल्यू था बच्चों 1.5 × 10⁻⁙ और NH का वैल्यू कितना दिया है 4.5, सो ये आएगा 1.5 × 10⁻⁙ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4.5 × 10⁻²। ओके, सो फ्रॉम हियर अब हम लोग इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये आएगा मुझे 2.25 × 10⁻³² डिवाइडेड बाय 4.5 और ये आ रहा बच्चों 22। तो फाइनली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर Ne का वैल्यू मिल जाएगा, दिस विल बी 10⁻³, और इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना 0.5 टाइम्स ये जा रहा है। ओके, सो 0.5 × 10⁻³ ये आ रहा हमारा Ne का वैल्यू, और क्योंकि Ne जो है वो कम है NH से, इट मीन्स यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यह है पी टाइप का सेमी कंडक्टर, और 0.5 × 10⁻⁹ को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 5 × 10⁻⁹, सो पी टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन दिस मच। ओके, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बच्चों, 55वें क्वेश्चन में आपको सिंपल सा, आपको थ्योरी बेस्ड स्टेटमेंट है जिसमें आपको सही स्टेटमेंट बताना है। ये बोल रहे हैं कि अगर जर्मेनियम को डॉप करें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, यानी कि त्रि संयोजी अगर अशुद्धि उसमें डालें तो एन टाइप बनेगा। त्रि संयोजी पे ध्यान रखना, हमेशा पी टाइप बनता है, और फाइव वेलेंट अगर पेंटावेलेंट डालें तो उस केस में क्या बनता है, एन टाइप।
तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर दूसरा बोल रहे हैं रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम इंक्रीज विद टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी हमेशा कम होती है, तो ये भी गलत हो गया। फिर इसमें हो गया मेजोरिटी केरियन पी टाइप आर होल, बिल्कुल सही बात है, पी टाइप में होल मेजोरिटी केरियन होते हैं। और चौथा डॉपिंग जब हम करते हैं प्योर जर्मेनियम की पेंटावेलेंट से, पेंटावेलेंट पे ध्यान रखना इंक्रीज रेजिस्टिविटी, ये तो गलत है क्योंकि आप डोपिंग कर रहे हो रेजिस्टिविटी कम करने के लिए ना कि बढ़ाने के लिए। ओके बच्चों, तो अपना तीसरा ऑप्शन यहां पे सही हो गया। इसके बाद है बच्चों 56वां प्रश्न 56, और यहां पर आपसे कहा गया है कि एक कॉपर और जर्मेनियम का एक पीस है और उनको हमने कूल किया है अप टू 80 केल्विन। तो बच्चों ठंडा करने पर कंडक्टर जो है यानी मेटलिक जो है उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, सही बात है भाई। आर क्या होता है, आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा का वैल्यू कंडक्टर्स के लिए होता है पॉजिटिव और सेमी कंडक्टर्स के लिए होता है नेगेटिव। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस तांबे का बढ़ेगा, टेम्परेचर कम किया तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जर्मेनियम के लिए जो अल्फा होगा दैट विल बी नेगेटिव। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि जर्मेनियम का प्रतिरोध तापमान कम करने पर बढ़ जाएगा। ओके 57वां वापस एक थ्योरी का क्वेश्चन है, कौन सा सही स्टेटमेंट ये बताना है। एन टाइप जो है वो नेगेटिव चार्ज, पहली बात तो एन टाइप और पी टाइप ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होते हैं, है ना। पी टाइप इसलिए बोलते हैं कि इसमें पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर होता है वो मेजोरिटी में होता है, और एन टाइप में नेगेटिव चार्ज कैरियर मेजोरिटी में होता है, लेकिन होते दोनों न्यूट्रल हैं, तो अपना यहां पर एन टाइप और पी टाइप जो है वो दोनों न्यूट्रल होंगे, सेकंड ऑप्शन यहां करेक्ट हो गया। ओके बेटा, इसके बाद आता है बच्चों 58, और यहां पर आपसे कहा गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, रेजिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेंपरेचर। नहीं बच्चों, नेज अर्धचालक का प्रतिरोध ताप वृद्धि, ओके सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इन चारों में से गलत कौन सा है वो आपसे पूछा गया है। तो अभी हमने आपसे कहा था कि टेम्परेचर बढ़ने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो कम होता है, सही बात है, ये स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि प्योर एसिड डॉप्ड विद द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी गिव्स पी टाइप सेमी कंडक्टर, सही बात है, जब ट्राइवेलेंट हमने इसके अंदर मिक्स किया तो पी टाइप का सेमी कंडक्टर बन रहा होगा। और थर्ड में आपसे कहा गया है मेजोरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमी कंडक्टर्स आर होल्स। नहीं बच्चों, एन टाइप में मेजोरिटी वाला होता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके सो थर्ड ऑप्शन जो है वो होगा हमारा गलत स्टेटमेंट, राइट ऑप्शन। और फोर्थ में आपसे कहा गया है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन ए पी टाइप सेमी कंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। पी टाइप के अंदर मेजोरिटी होती है होल्स की और माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, मतलब गलत है इसीलिए सही है, हाँ, है ना, गलत है इसीलिए सही। अगला आता है अपना 59 में, देखिए बच्चों आपको पीएन फोटोडायोड में फैब्रिकेट किया हुआ और सेमीकंडक्टर विद बैंड गैप 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको बताना है कि कितना ये डिटेक्ट कर सकता है सिग्नल को। तो देखो जो सिग्नल आया उसके लिए फ्रीक्वेंसी, सिग्नल की जो एनर्जी है वो एटलीस्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो इस केस में एनर्जी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12400, अपन 12040 लिख के नैनोमीटर लिख देते हैं इधर, ईवी बाय लैम्डा, ये हो जाएगा 2.5 ईवी। तो इसका मतलब लैम्डा आएगा लेस देन इक्वल्स टू 1240 डिवाइड बाय 2.5। ओके बच्चों, तो यहां पे जब आप 2.5 से इसको सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन जब आप करोगे, इसको क्या मैं 125 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूं, है ना। तो इसको चलो मैं अप्रोक्सीमेशन अब कर रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेशन करने में मैं इस 1240 की जगह 1250 लिख देता हूं ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। ढाई से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा अपने पास 500 बार, तो लगभग लैम्डा जो है वो 500 नैनोमीटर आएगा। अब नैनोमीटर में है तो 500 से कम होना चाहिए या उतना होना चाहिए, तो 500 नैनोमीटर से कम, है ना। अब यहां ऑप्शन दूर दूर है इसलिए अपने कोई दिक्कत नहीं, अपन अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं ना। तो देखो 500 नैनोमीटर से कम अपना ऑप्शन है, कि 5000 एंगस्ट्रॉम से कम होनी चाहिए वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम में भी लिख लेते हैं इसको, तो 5000 एंगस्ट्रॉम से कम अपना ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है 4000 एंगस्ट्रॉम, बाकी सारे वेवलेंथ जो है ना वो इससे ज्यादा है,
तो ये ज्यादा वाली नहीं चलेगी, कम वाली चल जाएगी। ओके बच्चों, मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि 4000 किसी कैलकुलेशन से आएगा, नहीं, बस इस वैल्यू से कम है इसलिए सही है। अगर 3000 होता तो वो भी सही होता, लेकिन एक ही ऑप्शन दिया ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो गया अपना, है ना। ओके बच्चों, तो ये हमारा 60वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट से जब हम लोग स्मूथ डीसी प्राप्त करते हैं, तो याद रखिए हम लोग उसके अंदर कैपेसिटर का यूज करते हैं, बीच में यहाँ पर होता है हमारा आउटपुट और ये होता है हमारा डीसी कन्वर्जन के लिए। सो इस पाथ में हम लोग फिल्टर करते हैं एक्चुअली, ओके, छानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑसिलेटर नहीं तो फिल्टर वाला, मतलब इसका जो नाम है वही आपको फिक्स याद रखना है। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। एक्सेंट्रिक क्वेश्चन में आपको बोला है कि रिवर्स बायस पीएन डायोड में क्या होता है, तो रिवर्स बायस पीएन डायोड देखो, फॉरवर्ड जब करते हैं ना तो पोटेंशियल बैरियर कम होता है ना, और जब रिवर्स करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, अपना सिंपल सा स्टेटमेंट है ना। अब रिवर्स बायस कभी भी मेजोरिटी कैरियर को नहीं बढ़ाता, ये केवल मेजोरिटी कैरियर को एक्सेलरेट करता है। हाँ, बढ़ाने का काम तब होता है जब वो जीनर ब्रेकडाउन या एवरेज ब्रेकडाउन वाला हो जाए, तो ब्रेकडाउन की यहां हम कंडीशन की बात नहीं करते, हम नॉर्मल वर्किंग की बात करते हैं। तो उस केस में ये जो चार्ज के लिए बढ़ेंगे ये तो ब्रेकडाउन के बाद बढ़ेंगे, तो इसको अभी कंसिडर नहीं करना है। नॉर्मल वर्किंग में केवल पोटेंशियल बैरियर जो है वो इंक्रीज होता है, बाकी अपना जो है मेजोरिटी चार्ज के लिए घटाता नहीं है, ये केवल मेजोरिटी चार्ज के लिए को अपोज करता है। ओके बच्चों, तो अपना एक ही ऑप्शन सही है इसका, सेकंड ऑप्शन। ओके बच्चों, उसके बाद है 62, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमको दिया गया है EMF कितना आएगा, 3.5 वोल्ट, और इस डी के ऊपर जो डायोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो है 0.5 वोल्ट। जाहिर सी बात है कि 0.5 वोल्ट अगर यहाँ पर ड्रॉप हुआ है तो 3.5 में से ये निकालने पर ये आ रहा है 3 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें चाहिए करंट, करंट होता है बच्चों V upon R, so from here we can say it will be 3 upon R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 ओम। ओके, तो ये हमें चाहिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं मिली एम्पियर में, सो इसको हम लोग 1000 से अगर, या यूं कहें कि 10 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस विल बी मिली, तो ये आएगा 30 मिली एम्पियर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास, क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला है तीन सर्किट दिए गए, वो बोलते हैं किस केस में जो है वो डायोड पे पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है। देखो अगर एक सिंपल सर्किट की तरह सोचें तो जब डायोड के रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप भी इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पे एक डायोड तो है फॉरवर्ड में, एक डायोड है रिवर्स में, क्या इनके रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो सकते? नहीं, रिवर्स में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। यहाँ दोनों देखो फॉरवर्ड में है ना, दोनों ही डायोड जो है वो फॉरवर्ड में है, दोनों डायोड फॉरवर्ड में है, तो उनके रेजिस्टेंस भी मान लेते हैं R1 रहे होंगे, है ना। यहां इस फॉरवर्ड वाले का R1 मान लेते हैं और रिवर्स वाले का R2 मान लेते हैं। यहां दोनों डायोड देखो रिवर्स में है, तो दोनों डायोड रिवर्स में है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हम R2 और इसका भी R2 मान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस जब इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली बात है अपन जब किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हैं तो वोल्टेज इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे ना, तो इस केस में इक्वल वोल्टेज यहां भी आएगा और यहां भी आपस में इक्वल आएगा, तो सेकेंड और थर्ड केस वो है जिसमें अपना जो है वो इक्वल वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो 63 का अपना ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, उसके बाद है 64 क्वेश्चन, और इसके अंदर आपसे कहा गया कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेक्टिफायर सर्किट, इनमें से कौन सा रेक्टिफायर सर्किट नहीं है। तो बच्चों ये वैसे तो आपको ये डायग्राम डायरेक्टली भी याद होने चाहिए, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जब यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज होगा तब उस केस के लिए ये और ये यहाँ पर ले लिया हमें नेगेटिव, तो इस केस में ये भी रिवर्स बायस में और ये भी रिवर्स बायस में है, तो उसका हाफ पार्ट जो है वो पास यहाँ से नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। और अगर यहाँ पर हमने दिया नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ पर दिया पॉजिटिव, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में और ये भी फॉरवर्ड बायस में, मतलब यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली फ्रॉम हियर ऑल्सो वी कैन सी कि यहां से भी हमें आउटपुट मिल सकता है, इस पाथ से भी और इस वाले पाथ से भी। तो ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट, लेकिन यहां पर अगर आपने इसको पॉजिटिव वोल्टेज दिया और इसको नेगेटिव दिया, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड में, लेकिन ये रिवर्स बायस में, इट मीन यहां से
करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा, इट मीन्स हम लोग इसको रेक्टिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते। सो सेकंड ऑप्शन लिख द राइट आंसर। ये भी गलत है इसलिए सही है। हाँ बिल्कुल। चलो बच्चों 65 नंबर क्वेश्चन में आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ गिवन है और आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ जो होता है वो सोलर सेल के लिए होता है। यहाँ पे देखो जब करंट जीरो है तब ये वोल्टेज ए पॉइंट पे है। करंट जीरो का मतलब क्या है कि सर्किट ओपन है, तो इसका मतलब ए पॉइंट का जो वोल्टेज है वो है ओपन सर्किट वोल्टेज, और बी पॉइंट पे वोल्टेज जीरो है। वोल्टेज जीरो होने का मतलब शॉर्ट सर्किट होना, तो बी पॉइंट पे जो करंट है वो है शॉर्ट सर्किट करंट। तो बी पॉइंट की करंट है, देखो सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है वो सोलर सेल के लिए होगा। बी पॉइंट ए पॉइंट पे जो है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है और बी पॉइंट पे क्या है करंट रेस्पेक्ट सॉरी सोलर सेल जहां पे ए रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज को और बी रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट सर्किट करंट को। तो जो फोर्थ ऑप्शन है उससे लास्ट में ये चीज गलत लिखी हुई है, इसलिए फोर्थ गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन अपना यहां सही बन जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद है 66 क्वेश्चन और यहां पर आपसे कहा गया है व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायर देन द करंट थ्रू द जंक्शन इज मेनली ड्यू टू। अब ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है, आपको इसका कांसेप्ट या इसका जो रूल है वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्स बायस में तो केवल थर्मल एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस, या यूं कहें आवेशों के अपवाह के कारण करंट का फ्लो होता है। डिफ्यूजन वाला केस नहीं होता, इट मीन्स यहाँ पर थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएंगे। सेकेंड ऑप्शन ये डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको। ओके सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला बच्चों अपने सामने आता है 67 क्वेश्चन, जिसमें आपके सामने अगेन एक थ्योरेटिकल यहाँ पे पॉइंट्स बोले गए हैं। तो इसमें बोला है कि जीनर ब्रेकडाउन जो है वो कब होगा। तो जीनर ब्रेकडाउन में पहली बात तो रिवर्स बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में कभी होगा नहीं। तो रिवर्स बायस में जीनर ब्रेकडाउन में देखो फॉरवर्ड करंट तो होगा ही नहीं, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस भी नहीं होगा, बात होगी रिवर्स बायस की। तो रिवर्स बायस में जब वोल्टेज जीनर वोल्टेज से जब ज्यादा हो जाए तो उस केस में जो है वो जीनर ब्रेकडाउन होगा। तो अपना सेकंड ऑप्शन यहां करेक्ट है। एक बार फोर्थ पढ़ लेते हैं, पोटेंशियल बैरियर जो है रिड्यूस टू जीरो। पोटेंशियल बैरियर रिवर्स बायस में कभी भी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है, तो जीरो होने का तो सवाल ही नहीं होता है ना। तो अपना सेकंड ऑप्शन यहां 67 का करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, उसके बाद आता है 68। अब आपको यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में फॉरवर्ड बायसिंग है। ओके तो हमको पता है कि अगर पी वाले पार्ट को हम लोग हायर वोल्टेज में ले और एन वाले पार्ट को अगर लोअर पे ले तो उस केस के अंदर वो होगा फॉरवर्ड बायस में। ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, बस हायर और लोअर का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फर्स्ट की, तो एन वाला पार्ट आ रहा है प्लस फाइव पे और पी वाला पार्ट आ रहा है जीरो पे, रिवर्स बायस में है बच्चों। यहाँ की बात करें तो ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, पी वाला पार्ट प्लस 10 वोल्ट से, तो ये हायर और ये लोअर फॉरवर्ड बायस है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, यहाँ पर है 0 वोल्टेज और ये है माइनस 10, लोअर हायर उल्टा हो गया मतलब रिवर्स बायस। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पी जो है वो है माइनस फाइव पे और एन जो है माइनस 12 पे, मतलब ये हो गया हायर पे, तो ये भी फॉरवर्ड बायस में। और फिफ्थ वाला जो है उसमें 0 वोल्टेज यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस 10, ये हो गया हायर पे, ये हो गया लोअर पे, मीन्स ये भी हमारा फॉरवर्ड बायस में। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, सो सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। 69 में आपको बोला है कि एक जीनर डायोड का सर्किट है, जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे जब वो काम आता है तो उस केस में वो जीनर वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, तो इस केस में वोल्टेज रेगुलेटर की तरह एक काम आ रहा है, तो इस पे ड्रॉप कितना आ जाएगा बेटा, 17 वोल्ट आपने टोटल लगाया, 9 वोल्ट इस पे आ गया, जो 9 वोल्ट इस पे वो इस पूरे कॉम्बिनेशन पे ड्रॉप है एक्चुअली। तो इसका मतलब अपना जो आर बचा उस पे कितना ड्रॉप बचेगा, 17 में से 9 माइनस करो तो 8 वोल्ट। तो ये सिंपल सा अपना यहाँ इजी सा क्वेश्चन, इसमें 8 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा आर पे। ओके बच्चों, उसके बाद है 70वां प्रश्न और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि सर्किट में करंट का वैल्यू आपको बताना, मतलब टोटल करंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये फॉरवर्ड बायस में क्यों, क्योंकि ये प्लस 10 वोल्ट है, तो ये भी 10 वोल्ट 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, और इसको हमने लिया जीरो, सॉरी यहाँ पर जीरो वोल्ट, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, ये रिवर्स बायस में होगा, तो यहाँ से करंट का फ्लो नहीं होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है फ्लो होगा। तो फ्रॉम हियर इस वाले पार्ट को अगर हम लोग हटा दें तो यहां से आपको ये डायग्राम मिलेगा कुछ ऐसा, यहां पर आएगा 5 ओम और
ये वाला पार्ट हमने हटा दिया है, तो ये आएगा वापस सीरीज में और ये 20 ये आएगा इन सबके पैरेलल में और यहाँ पर आएगा 10 वोल्ट। ओके, 5 एंड 5 ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 20 ओम, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए, तो ये 10 × 20/10+20 दिस विल बी 200/ ये आ गया 30, so 20/3 ohm, that will be the net R of these two. So from here we can say current will be V/R. So 10/20/3, 3 will come here, so 30/20, that will be 1.5 ampere. So 1.5 ampere will be the right answer. So third option is the correct answer. बच्चों 71वें क्वेश्चन में आपको बोला है कि ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट हो रहा है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में और इसमें वीसीसी जो है वो 2 वोल्ट आपको दिया गया है। आपको बोला है कि बेस करंट में आपने चेंज किया और उसके मुकाबले कलेक्टर करंट में भी कुछ चेंज हुआ, तो करंट गेन कितना होगा? तो बीटा यहां पे हम डिफाइन करेंगे चेंज के लिए डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आईबी। जब चेंज के लिए करंट गेन डिफाइन था उसको हम बोलते हैं एसी करंट गेन, है ना? तो अब इस केस में हो जाएगा डेल्टा आईसी दैट विल बी 10-5 मिली एम्पियर और यहां वैल्यू डालेंगे तो 200-100 माइक्रो एम्पियर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/100 मिली एम्पियर और इधर होगा माइक्रो एम्पियर। तो मैं ऐसा करता हूं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 5000, अब ये भी मेरे पास हो जाएगा, सॉरी इधर मैं लिखता हूं 5000 इसको लिखता हूं माइक्रो एम्पियर और ये हो जाएगा 100 ये भी माइक्रो एम्पियर, तो ये कट के मेरे पास आंसर आ जाएगा 50। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो ये है हमारा 72 क्वेश्चन और यहां पर सी मतलब कॉमन एमिटर सर्किट इज देयर और आपको इनपुट वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है, आउटपुट आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। सो एज वी नो सी के अंदर जो आउटपुट होता है वो है पाई रेडियन से आउट ऑफ फेज होता है, तो यहां पर हम लोग चाहें तो डायरेक्टली भी आंसर यहां पर चेक कर सकते हैं कि पाई बाय 3 प्लस पाई किया क्या आएगा बच्चों 4 5/3। सो थर्ड ऑप्शन, लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर हमें वोल्टेज गेन भी दिया गया है, सो वोल्टेज गेन ये होता है बच्चों V आउट अपॉन V इन, तो यहां से आपको V आउट का वैल्यू मिल जाएगा। वोल्टेज गेन का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 150 और V इन का वैल्यू कितना है 2, सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी 300, सो that is also there, so third option will be the right answer. अगला बच्चों 73 क्वेश्चन में आपको बोला है कि कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है 600 ओम, कलेक्टर सर्किट में 0.5 वोल्ट का ड्रॉप इस पे आ रहा है ना, और कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो अपने पास जो डेल्टा वी आर सी पे जो आ रहा है वो होता है आई सी आर सी, कितना ड्रॉप आया बेटा इस पे 0.6 वोल्ट का, आई सी हमें पता करना है और ये है 600 ओम, तो इससे मेरे पास आईसी आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। उसके बाद मुझे दिया गया है करंट गेन 20, तो करंट गेन कॉमन इमिटर का क्या होता है आईसी बाय आईबी 20, तो आईबी हो जाएगा मेरे पास आईसी बाय 20, कितना हो गया बेटा 1/20 करेंगे तो 1/20 आंसर मिली एम्पियर में, तो 0.05 मिली एम्पियर अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। तो एक इजी सा क्वेश्चन था बच्चों। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा 74 और यहां पर आपसे कहा गया कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर के अंदर आपको वोल्टेज गेन का वैल्यू दिया गया 50 एंड इनपुट इंपेडेंस है हमारा 100 ओम और आउटपुट इंपेडेंस है 200 ओम, देन यू हैव टू फाइंड आउट पावर गेन। तो बच्चों पी क्या होता है V²/R, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर बात करें इनपुट के लिए तो यहाँ पर भी इनपुट आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा इन, और अगर आउटपुट की बात करें तो वी आउट दैट विल बी पी आउटपुट का स्क्वायर अपॉन आर आउटपुट का, सॉरी आर आउटपुट आएगा यहाँ पे। ओके, अब हमें यहाँ पर चाहिए पावर गेन, पावर गेन मतलब पी आउट अपॉन पी इन, तो पी आउट अपॉन पी इन का वैल्यू ये आएगा बच्चों वी आउट स्क्वायर अपॉन वी इन का स्क्वायर और आर इन ये कहां चला जाएगा,
ऊपर आ जाएगा और आर आउट यहां पर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां पर आर वी आउट अपॉन वी इन का वैल्यू है आपके पास, दैट इज वोल्टेज गेन, दैट इज 50। सो फ्रॉम हियर वी कैन से वी कैन राइट इट एज 50 का स्क्वायर एंड आर इन आर आउट, आर इन का वैल्यू कितना दिया है 100 और ये दिया हुआ है 200। तो ये आ रहा है बच्चों 2500 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1250। ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला 75 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट दिया गया है और आपको इस केस में बताना है आईबी आईसी और बीटा की वैल्यू। देखो इसमें वीसी जीरो है, तो अगर अपन यहाँ से ये वाला सर्किट देखें तो वीसी जीरो, तो यहाँ तो जीरो वोल्ट का ड्रॉप आ गया, तो ये सारा 20 वोल्ट किस पे आएगा, इस पे। तो आईसी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगा 20/4 किलो, इसका मतलब ये आ जाएगा 5 मिली एम्पीयर। आईसी 5 मिली एम्पीयर तीन ऑप्शन में, तो चलो पहला तो गलत हो गया। इसके बाद हम आईबी के लिए बताएंगे। देखो वीबीई भी जीरो बोल दिया आपको, तो वीबी जीरो है, जिसका मतलब सारा का सारा इनपुट वोल्टेज जो कि 20 वोल्ट है वो कौन खाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस। तो इससे मेरा आईबी हो जाएगा 20/500 किलो ओम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/25 मिली एम्पीयर। तो मैं ऐसा करता हूं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके इधर माइक्रो एम्पीयर लिख दूं, तो 1000/25 कितना होगा 40 माइक्रो एम्पीयर। तो 40 माइक्रो एम्पीयर आईबी, ये अब मेरा फोर्थ ऑप्शन ही सही है। बीटा भी आप इससे कैलकुलेट कर लो, तो बीटा हो जाएगा आईसी बाय आईबी, मिली एम्पीयर को माइक्रो में लिखूंगा तो ये लिखूंगा मैं 5000 और डिवाइड बाई इधर आ जाएगा 40, है ना, ये मैंने माइक्रो एम्पीयर में कन्वर्ट करके लिख दिया इसको। तो सॉल्व करोगे तो 500/4 125, जो कि अपना फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। ओके बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन यहां करेक्ट है। ओके बच्चों, इसके बाद आता 76 क्वेश्चन और इसमें आपसे कहा गया कि इनमें से कौन सा नैंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी नो दैट एंड गेट के साथ अगर नॉट लगा दिया जाए तो बन जाता है नैंड गेट। एंड गेट ये रहा, नॉट गेट ये रहा, इट मींस इन दोनों को कर दिया कंबाइन। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, सिंपल। अगला आपको बोला है 77 क्वेश्चन में ये कौन सा गेट है। देखो ए के आगे जब किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट कॉमन करें तो वो एक नॉट गेट की तरह काम करता है, तो ये ए की जगह इसका आउटपुट हो जाएगा ए बार, और ये भी एक नॉट गेट की तरह काम करेगा, इसका आउटपुट हो जाएगा बी बार। अब ये क्या है, एक और नॉर गेट, तो ए बार प्लस बी बार का होल बार, ये बनेगा अपना नॉर गेट का आउटपुट। तो इसको मैं लिखूंगा ए बार बार बी बार डबल बार, तो ये आ जाएगा फाइनली ए बी बी ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब ये कौन सा गेट हो गया बेटा, एंड गेट। ओके ओके बच्चों, तो अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं 78 इन दिस फॉलोइंग सर्किट, मतलब आपको यहाँ पर सर्किट को देखकर बताना है कि इनमें से कौन से वाली ट्रुथ टेबल इसके लिए सत्य होगी। ओके देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या है, बच्चों यहाँ पर ये है नॉट गेट, क्योंकि हम लोग यहाँ से अगर 1 इनपुट दे तो यहाँ पर आएगा आउटपुट 0, और यहाँ पर अगर 0 दे तो यहाँ पर आएगा 1, इट मींस ये है हमारा नॉट गेट। और ये कौन सा गेट है बच्चों, ये है और का नॉट, मतलब ये है नॉर गेट, और अगर नॉर गेट के आगे आपने नॉट गेट और जोड़ दिया है तो इसका जो नॉट वाला पार्ट है उसको हम लोग हटा सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, नॉर का नॉट करना है, क्या आएगा बच्चों, और गेट आएगा, इट मीन्स यहाँ पर जो भी टेबल और गेट के लिए ठीक होगी वही होगा हमारा आंसर। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि 000 आ रहा है, 011 आ रहा, 101 आ रहा, और 11 का 1 आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू रख रख के भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मैच कर रहा होगा। ओके सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों 79 क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि इस केस में पहले अगर तीनों इनपुट हाई हो फिर बाद में तीनों इनपुट लो हो तो आउटपुट क्या होगा। चलो एक बार तीनों इनपुट अपन 1 रख के देख लेते हैं। 1 और 1 का आप नेंड करोगे तो 0 आएगा, इधर 1, 0 और 1 का मल्टीप्लाई होता है 0, लेकिन उसका फिर आउटपुट देखो आगे एक और ये नेंड गेट है ना, तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई तो 0 होगा, लेकिन वापस इनवर्स करोगे तो आंसर हो जाएगा 1, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास 1। जब तीनों इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, तीनों इनपुट जब 0 है तब देख लेते हैं, 0 0 का मल्टीप्लाई 0 लेकिन वापस एक नॉट गेट है तो 1, इधर 0, 1 0 का मल्टीप्लाई 0 लेकिन वापस एक नॉट गेट है तो वापस अपना आंसर 1, तो तीनों इनपुट 0 तो भी आंसर 1, तीनों इनपुट हाई तो भी आंसर 1, तो मेरा ऑप्शन यहां हो जाएगा सेकंड ऑप्शन।
ओके बेटा, ये अपना 79 क्वेश्चन। ओके बच्चों, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 80, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि यदि ए और बी जो है वो इनपुट है और आउटपुट है सी, तो इनमें से ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर 0 वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पर 1, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 0 0, आउटपुट कितना आ रहा है 0, 0 0 का 0 आ रहा है। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, सी ले लिया। अब देखो ये 0 ये 1, आउटपुट कितना आ रहा है 1, ए का वैल्यू 1 लिया हमने, 0 ये आ रहा है 1। नेक्स्ट केस में यहाँ पर 1, ये भी 1, तो ये भी 1, 1 1 का 1 आ रहा है। और एक केस और हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 0 ये 1, तो ये आ रहा है 1। ए का वैल्यू 0 किया हमने, बी का वैल्यू 1 किया, तो ये 1 आ रहा है। और ये बच्चों टेबल होती है और गेट के लिए, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन और गेट। अपना अगला आएगा 81। 81 में देखें आपको एक सर्किट में, देखो ये ए डायरेक्ट जा रहा है, ए तो एज इट इज, बी का इनवर्जन करना है उल्टा के, तो ए बी बार, इधर ये ए उल्टा हो क्या आएगा, ए बार ये बी, ये कौन सा गेट है एंड गेट, तो ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, और ये और गेट, और गेट दोनों को जोड़ देगा, तो ये सिंपल सा मेरे पास आंसर आ गया, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब इसके बाद आ रहा है 82 क्वेश्चन। अब यहाँ पर बहुत ध्यान पूर्वक आपको सॉल्व करना है, पहले तो आपको इस डायग्राम को समझना होगा। ओके, पहले एक बार हम लोग ये जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर और यहाँ पर बीटा आपको दिया गया है, करंट गेन दैट इज 100 और आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, वी क्या होता है आर आई, तो वी आउटपुट, आर आउटपुट, आई बी आउटपुट, और V इनपुट R इनपुट I इनपुट, ठीक है। आपको यहाँ पर चाहिए V आउटपुट। सो फ्रॉम ये अगर हम लोग इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दे, सो इट विल बी V आउट अपॉन V इन एंड इट विल बी I एंड R आउट, I इन एंड R इन, ठीक है बच्चों। और आपको यहाँ पर करंट गेन का वैल्यू दिया गया है, मतलब आई आउट अपॉन आई इन है आपके पास 100, ठीक है। वी इनपुट का वैल्यू है आपके पास 1 मिलीवोल्ट, ओके, सो इट विल बी 1 मिलीवोल्ट। और आर नॉट और आर इन का भी वैल्यू है, आर आउटपुट का वैल्यू कितना दिया 10,000 किलो, 10,000 ओम, और आर इन का वैल्यू कितना है 1 किलो। तो हम लोग इन सब का वैल्यूज रख के अगर सॉल्व करें तो फाइनली हम लोग अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। कैलकुलेशन इज देयर, तो एक मिनट, ये आएगा बच्चों वी आउट, इनका वैल्यू कितना दिया 1 मिली, ठीक है, वोल्ट, और ये दिया हुआ है 100, आर आउट का वैल्यू दैट इज 10,000 और आर इनका वैल्यू कितना दिया 1,000, कैंसिल आउट हो गया 10^-3 कैंसिल आउट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट बी आउट विल बी 1 वोल्ट, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। बच्चों अगला वापस एक कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट, इसमें आपको बोला है कि सैचुरेशन में जब ये ट्रांजिस्टर चला जाएगा उस स्टेट में जाने के लिए आपको कितना ये डेटा रिक्वायर्ड है, जो कि आपको पूछा गया है इनपुट वोल्टेज के लिए मिनिमम बेस करंट और बेस वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखें जो सेचुरेशन वोल्टेज है वो आपको 0 वोल्ट गिवन है, सेचुरेशन वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है तो इसका मतलब यहां तो कोई ड्रॉप हुआ नहीं, तो जो सारा का सारा बीसीसी है, बीसीसी कितना दिया 5 वोल्ट, वो सारा का सारा किस पे ड्रॉप होगा, केवल आरसी पे, तो इस पे ड्रॉप हो गया 5 वोल्ट का। तो यहां से मैं आईसी निकाल लेता हूं, 5 वोल्ट डिवाइड बाय वैल्यू आरसी की है 1 किलो ओम, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। मुझे बीटा दिया हुआ 200, तो इससे मेरे पास आई बी आ जाएगा आईसी बाई बीटा 5/200 mA। इसको अगर आप 5000 लिखेंगे बाई 20 माइक्रो एम्पियर लिख दें तो ये आ जाएगा मेरे पास 200, तो ये एक और जीरो खत्म, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25 माइक्रो एम्पियर। तो आई बी की वैल्यू जो है वो 25 माइक्रो एम्पियर होनी चाहिए, पर दो ऑप्शन मेरे पास है तो मुझे अभी वी बी भी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेचुरेशन में वी बी आपको 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो 1 वोल्ट तो यहाँ पे,
देखिए आरबी पे कितना ड्रॉप आएगा, आरबी की वैल्यू आपको दी गई है 100 किलो ओम और आईबी दिया हुआ है कितना, तो वीबी जो होगा, वी जो डेल्टा वी आरबी के अक्रॉस आएगा वो आएगा मेरे पास 25 माइक्रो एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 100 किलो ओम। तो इसको सॉल्व करूंगा ये वैल्यू आएगी 2.5 वोल्ट। अब हम सिंपल सा एक केवीएल की इक्वेशन लिख देते हैं, टोटल इनपुट वोल्टेज थोड़ा यहां ड्रॉप होगा थोड़ा यहां ड्रॉप होगा, तो V इनपुट हो जाएगा VBE प्लस डेल्टा VRB, ये कितना है VBE, ये दिया हुआ है आपको 1 वोल्ट, तो VBE आपको दिया हुआ है 1 वोल्ट और ये आपके पास आया 2.5 वोल्ट, तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा बेटा 3.5 वोल्ट। तो 3.5 वोल्ट इज योर फाइनल आंसर, तो 3.5 और 25 माइक्रो एम्पियर, तो अपना सेकंड ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट है। ओके बच्चों, इसके बाद आता बच्चों 84 क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि इट इज सीरीज एम्पलीफायर सर्किट और यहाँ पर आपको दिया गया है करंट गेन का वैल्यू 250, सो एज वी नो कि इट इज सीरीज, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट विल बी बीटा, दैट इज प्लेट अपॉन बिल्ली, कैसे बताते हैं हम लोग, आई सी अपॉन आई वी मतलब प्लेट अपॉन बिल्ली, दैट इज बीटा। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें चाहिए बेस करंट का मिनिमम वैल्यू, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट आई बी का वैल्यू यहां से आएगा बच्चों आई सी अपॉन बीटा, बीटा है हमारे पास, प्रॉब्लम है हमारे पास आई सी का, तो आई सी का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, आई सी ये आएगा बच्चों बी सी सी अपॉन आर सी। ओके, और बी सी सी का वैल्यू है हमारे पास 10 वोल्ट, आर सी का वैल्यू, आर सी का वैल्यू 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इट विल बी 1 अपॉन 100 एम्पियर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आई सी का वैल्यू अगर यहां पर रख दें तो यहां से हमें आई बी का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा का वैल्यू कितना दिया गया 250। ओके, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें क्योंकि हमें यहाँ पर आंसर चाहिए माइक्रो एम्पियर में, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 10^6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आला 10^6 और ये आ रहा है बच्चों 25 × 10^1 to 3। ओके, तो ये हो गया पावर 3 बार हो गई कैंसिल, 1000 upon 25 कितना आएगा बच्चों, 1000 upon 25 विल बी 40 आ जाएगा और ये ऊपर जाके बन जाएगा माइक्रो, इट मींस इट विल बी 40 माइक्रो एम्पियर। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों लास्ट अपना जो 85 क्वेश्चन नेक्स्ट है इसमें बोला है उत्सर्जक धारा आधार धारा और संग्राहक धारा में संबंध बताइए, तो किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए हमें पता है कि जो इमिटर करंट होती है वो हमेशा दो करंट में डिवाइड हो जाती है आई बी और आई सी, तो हमारी ये ट्रांजिस्टर इक्वेशन इसको बोलते हैं, तो IE equals to IB plus IC ऐसा अपना ऑप्शन दिख रहा है हमें थर्ड ऑप्शन, बाकी सारे तो गलत ही है ना, तो ये अपना 85 क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी बेस्ड। ओके बच्चों, तो अब है हमारा 86 क्वेश्चन, इट इज फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट एंड दिस इज आवर इनपुट और हमें चाहिए यहाँ पर आउटपुट, यदि यहाँ पर ये सी ना होता कैपेसिटर ना होता तो उस केस के अंदर हमारा आउटपुट होता लाइक दिस। ओके, लेकिन यहां पर ये कैपेसिटर जो है ये इस डीसी को इस फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज की स्मूथनिंग करता है, मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस को ये काम करता है, तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। ओके बच्चों, 87 क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में स्विच की तरह काम करता है, देखो फर्स्ट केस में जो है ना आउटपुट हाई है, इस केस में ध्यान रखना ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में होता है, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ स्टेट में है, थर्ड स्टेट में ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन में चला जाता है इसलिए आउटपुट लो हो जाता है, तो इस केस में अपना ट्रांजिस्टर ऑन है, तो ये जो फर्स्ट और थर्ड रीजन है इसमें ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करता है, और जो सेकेंड रीजन है उसमें जो ऑलमोस्ट लीनियर पार्ट होता है इसमें ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है, तो अपना स्विच के बारे में पूछा है तो स्विच के बारे में हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड रीजन। ओके, और जो सेकेंड रीजन है वो वर्क करता है एज ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का पूछते तो अपना सेकेंड रीजन की बात करते। ओके बच्चों,
ओके बच्चों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 88 और यहाँ पर आपको वेव फॉर्म्स दी गई है। ए एंड बी यहाँ पर इनपुट है और वाई हमारा आउटपुट, तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा गेट हो सकता है। जीरो वोल्टेज यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरो, इट मीन्स ए बी एंड दिस इज आवर वाई, जीरो जीरो, तो जीरो आ रहा है यहाँ पर, जीरो और ये वन आ रहा है तो भी जीरो आ रहा है, ठीक है, तो जीरो वन का भी जीरो, और यहाँ पर किया जाए ये जीरो आ रहा है, ये भी जीरो, जीरो जीरो जीरो, एक ही वैल्यू, ओके यहाँ पर वन है, अरे बच्चों यहाँ पर है वन और यहाँ पर है जीरो, तो एक का वैल्यू है यहाँ पर वन, और लास्ट केस ये और हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं, वन वन का यहाँ पर आ रहा है वन, तो बच्चों वन वन का वन आ रहा है, बाकी सब आ रहा है जीरो, जो कि एंड गेट के लिए होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर वन यानी एंड गेट विल बी राइट आंसर। 89 क्वेश्चन में देखिए बच्चों, आपको हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल 13.6 दिया हुआ है। ये बोल रहे ग्राउंड स्टेट से हम इसको एनर्जी इंसिडेंट करवाते हैं फोटोन 12.1 का। अब हमें पता है 12.1 जो गेप होता है वो 13.6 से 12.1 जब आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, n=3 में। n=3 में जब फोटो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जब वो वापस इमिट करेगा तो या तो टुकड़ों में आएगा या फिर डायरेक्ट आ जाएगा, तो कितने पॉसिबल वेवलेंथ इमिट हो सकती है, 3। तो इस केस में आंसर आ गया 3। आप फॉर्मूला से करें तो 3 3 - 1/2 दिस इज आल्सो 3। ओके बच्चों, तो अब हमारा आखिरी प्रश्न, अब ये हमारा 19th क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे कहा गया है कि म्यू 1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट। लिमिट की जब हम लोग बात करते हैं मींस हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में या ग्राउंड से इनफाइनाइट के अंदर ट्रांजिट कर रहा होगा, ठीक है, और न्यू 2 है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन की बात करें, न्यूटन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं, लाइमन बामर। लाइमन के लिए बच्चों n1 कितना होता है 1, n2 का वैल्यू यहां पर फर्स्ट लाइन के लिए n2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों 2, ठीक है, और इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है न्यू 2, ओके, एंड न्यू 1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन, ठीक है। n1 का वैल्यू यहाँ पर 1 लेंगे और n2 का वैल्यू लेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट फॉर न्यू 1, ठीक है, और न्यू 3 क्या है यहाँ पर, न्यू 3 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज लिमिट ऑफ द बामर सीरीज, ठीक है। बामर के लिए n1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 2, और ये हमारा लिमिट की बात कर रहा है, सीरीज लिमिट की बात कर रहा है, इट मीन यहाँ पर n2 का वैल्यू क्या आएगा इनफाइनाइट, ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3 के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए 1/λ होता है बच्चों R^2, 1/(n1)²-1/(n2)², ठीक है बच्चों, और यदि मैं इसको C से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं या यहाँ पे और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा C/λ, ये होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, न्यू आ जाएगा, ये आएगा C^R^2, 1/(n1)²-1/(n2)²। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यू 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आएगा न्यू 1, ये आएगा C^R^2, यहाँ पर n1 का वैल्यू कितना है 1, n2 का वैल्यू 0, सो फ्रॉम हियर इट विल बी 1 ओनली, इक्वेशन नंबर 1। न्यू 2 की बात करें तो n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 2, तो न्यू 2 यहाँ से आपको प्राप्त होगा C^R^2, इट विल बी 1/(1)-2 का स्क्वायर किया 1/4 आ जाएगा, सो इट विल बी C^R^2 3/4 आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और फाइनली न्यू 3 के लिए भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट विल बी न्यू 3 C^R^2, n1 का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और n2 का वैल्यू कितना आ रहा है इनफाइनाइट, सो फ्रॉम हियर दिस विल बी 0, सो फ्रॉम हियर वी कैन से न्यू 3 विल बी 1/4 C^R^2, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 3/4 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 1/4, 3/4 + 1/4 दैट विल बी 1, सो फ्रॉम हियर वी कैन से न्यू 3 और न्यू 2 का सम होगा न्यू 1 के
बराबर ओके सो न्यू वन विल बी न्यू टू प्लस न्यू थ्री। हम देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ओके तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो इस फॉर्म में हम लोग इसको ला सकते हैं न्यू थ्री इट विल बी न्यू वन माइनस न्यू टू देख लीजिए। ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इस तरह से हमारा इको 10 का जो पार्ट था जिसमें हमने मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर इस सब को कवर किया है। नीट में वेटेज इसका काफी अच्छा खासा होता है 6 से 7 क्वेश्चन आप मान के चले मतलब कि 15 से 20% का वेटेज इसका नीट में होता है। तो इस तरह से आपने जब यहाँ पे टेस्ट दिया होगा आपको लग गया कि ऑलमोस्ट सारा पार्ट अपन ने इसमें कवर किया हुआ है। आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और जो भी आपने यहाँ से सीखा उस चीज को अब अपने साथ एग्जाम तक रखें। ओके बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों बाय बाय।